बहनों और भाइयों नमस्कार मुझे लगता है हिंदी सबको समझ में आती होगी तो मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करूंगा आई विल मिक्स इट अप जिनको अंग्रेजी सुनने की आदत है उनके लिए उनके उनको झटका नहीं लगे इसलिए वैसे अभी बीच में एक कुलपतियों का सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय स्तर पे देर वेर मोर देन एटी वाइस चांसलर्स देर और कुलपतियों के सम्मेलनों में बोलने के लिए भी कुलपति थे सुनने वाले भी कुलपति थे और शिक्षा व्यवस्था को कैसे बनाना इसको लेकर के विषय था पहले स्वामी विवेकानंद को लेकर के विषय हुआ उनका शिक्षा और ये सारा विषय और बाद में एक कुलपति सम्मेलन हुआ जिसमें विषय था कि रिस्ट्रक्चरिंग आर यूनिवर्सिटीज़ टू मीट द चैलेंजेस ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी और उसके लिए पचास साठ विश्वविद्यालयों के कुलपति चांसलर से इकट्ठे आए थे वी सेमिनार। पिछले दो डेढ़ दो वर्षों से मैं एजुकेशन के फील्ड में मेरा दायित्व तो हुआ है उसमें काम कर रहा हूँ भारतीय शिक्षण मंडल में इसलिए इन लोगों से मिलने का आजकल ज्यादा अवसर मिलता है बुद्धिजीवियों से तो उन वाइस चांसलर्स के कॉन्फ्रेंस में एक जबलपुर के वाइस चांसलर ने अपना भाषण शुरू किया हिंदी में बाकी सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे सामने बैठे हुए सब लोग हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझने वाले थे फिर भी सब लोग अंग्रेज़ी में बोलते जैसा गुरुमूर्ति जी ने कहा अभी कि हमने उसके साथ में एक स्टेटस प्रेस्टीज ऐसा कुछ कुछ जोड़ दिया है इसलिए अंग्रेज़ी में बोलना ऐसे रहता है जबलपुर के एक वाइस चांसलर ने हिंदी में बोलना शुरू किया और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी उन्होंने पहला ही वाक्य कहा कि मैं उस भाषा में बोलूंगा जिस भाषा में सपने देखता हूँ <laughs> मैं हिंदी में ही बोलना पसंद करता हूं क्योंकि मेरे बोलने का कारण अलग है पर उनका यह बताना मुझे अच्छा लगा इसलिए जस्ट वांटेड टू शेयर इट एंड स्टार्ट विथ दैट शिक्षा व्यवस्था पर काम करते समय भी बहुत सारी बातें और बहुत सारे विषयों पर चर्चा और बहुत सारे विषय सामने आते हैं जब से शिक्षा का अदायित्व तो मिला और भारतीय शिक्षण मंडल इस प्रकार की संस्था का काम मिला जिसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव इज डेवलपिंग एन इंडिजिनस मॉडल ऑफ एजुकेशन भारत केंद्रित भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कोई एक प्रादर्श एक मॉडल तैयार करना उसके लिए हम काम कर रहे हैं तो मैंने विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं का भी अध्ययन शुरू कर दिया उस दिन से और आजकल ये इंटरनेट के कारण बहुत आसान हो गया तो इसलिए अब मैं डेढ़ साल बाद कह सकता हूँ रोज की लगभग डेढ़ सौ से दो सौ ई मेल्स पढ़नी पड़ती है और लगभग दो घंटे मैं उसके ऊपर लगाता हूँ और उसके बावजूद अभी सात आठ हजार मेरे इनबॉक्स में पड़ी होगी जो मुझे पढ़नी है और मैं डिलीट नहीं करता बिना पढ़े पढ़ करके ही डिलीट करता हूँ और उसके लिए समय निकालता हूँ प्रवास में निकालता हूँ यात्रा में निकालता हूं इतने सारे अध्ययन के बाद मैं कह सकता हूं कि सारी दुनिया परेशान है वहां वहां की शिक्षा व्यवस्था के कारण और सबको शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है और मैंने विदेशों की शिक्षा व्यवस्था और खास करके पश्चिम की शिक्षा व्यवस्था को इसलिए मैंने अध्ययन करना शुरू किया जानना शुरू किया क्योंकि हमारे देश में हम लोगों को आदत पड़ गई है जो कि अभी पहले सत्र में भी बात आई कि हम नकलची हो गए हमको नकल करने में मजा आता है। एक जो इसका जो ईमेलर भेजा है इस गेस्ट्रेक्चर का उसमें नीचे एक यूट्यूब के वीडियो का लिंक भेजा है आपको तो वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं जिस सेशन में बोल रहा था उस सेशन की अध्यक्षता कर रही थी सीबीएससी की डिप्यूटी डायरेक्टर बाद में चाय पीते समय गप्पे मारते समय मैंने उनको पूछा कि आपने सीबीएससी ने एक सीसीई सी नया कुछ एक तैयार किया है और वो नया एक पॉलिसी लागू कर दी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवेल्युएशन लगातार सातत्य से होने वाला और समग्रता से होने वाला मूल्यांकन ऐसा कुछ उसको बड़ा नाम दिया है और उसमें करना क्या होता है शिक्षक को अपने कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक बच्चे के ऊपर 50 पैरामीटर्स है 50 अलग अलग बातें हैं जिसके ऊपर उसको खानापूर्ति करनी होती है उसका फॉर्मेट होता है सात दिन में एक बार उसको आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल आपके क्लास के स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा कम्युनिकेशन स्किल कितना बड़ा भाषा को जानने का कितना बड़ा ऐसे पचास मुद्दे उस शिक्षक को भरने होते हैं और मैं जहां जाता था शिक्षकों से बात करता था सारे शिक्षक सीसी -सी से परेशान वो कहते हमारा सारा समय इसी में जाता है हम पढ़ाएंगे कब और फिर राइट टू एजुकेशन ने कहा परीक्षा नहीं लेनी आठवीं तक और परीक्षा लो तो भी धक्का दो फेल नहीं करना किसी को तो शिक्षक इन सारी बातों से बहुत परेशान है और मैं शिक्षकों से जुड़ा हूं रोज उनसे बात करता हूं तो सीबीएसई के डायरेक्टर मिल गए तो मैंने उनको पूछा ये सी, सी कहां से नकल की दैट वाज माय क्वेश्चन सीधे प्रश्न मैंने पूछा ये कहां से नकल की एंड शी वाज सो हैप्पी वो कहते पहला व्यक्ति मुझे बोला यू हैज हिट द नेल ऑन इट्स हेड मैंने कहा क्यों बोले मैं हमारी मीटिंग में बार-बार कहती हूं कि ये दूसरों की चीजें हमारे यहां लागू नहीं हो सकती फिर उसने उन्होंने बताया ऐसी की डिप्टी डायरेक्टर बता रही है मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा वो बता रही है कि हमने बाहर से कंपनीज आती है आजकल एजुकेशनल प्रमोशनल कंपनीज आ गए अनेक कंपनीज है मैं फिर कंपनी का नाम भी नहीं बताऊंगा मैं किसी का बदनामी नहीं करना चाहता वो कंपनियां आकर के हमारे पॉलिसी मेकर्स को प्रेजेंटेशन देती है कि यूरोप में ऐसा चल रहा है अमेरिका में ऐसा चल रहा है आप अपने स्कूलों में इसको लागू करो एंड दे दे हैव टू सेल देयर सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट वो बाद में होता है लेकिन पहले वो बताते हैं बोले सीबीएसई ने सॉफ्टवेयर तो नहीं खरीदा उनका सी का लेकिन उनका आइडिया खरीद लिया और उस आइडिया को लागू कर दिया एक कंपनी ने मार्केटिंग कंपनी ने एजुकेशनल मार्केटिंग कंपनी ने बेचा हुआ आइडिया सीबीएसई ने पूरे भारत में लागू कर दिया वो कह रही है डिप्यूटी डायरेक्टर सीबीएसई कह रही है कि मैं विरोध कर रही हूं कि दिस कैन नॉट वर्क इन इंडिया भारत में ये काम नहीं कर सकता क्यों नहीं काम कर सकता वो कहती है, यूरोप का टीचर स्टूडेंट रेशियो नाइनटीन वन है उन्नीस बच्चों पे एक शिक्षक है भारत में इट इज सिक्सटी थ्री तिरसठ शिक्षक बच्चों पे एक शिक्षक है तिरसठ बच्चों पे यहां पर एक शिक्षक हो वह पचास खा, इसकी खानापूर्ति कहां से कर सकता है तिरसठ बच्चों के पचास पॉइंट उन्नीस बच्चों के लिखने लिख चलेगा रहेगा तिरसठ बच्चों के नहीं लिख सके ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परिस्थिति के कारण बदलती है लेकिन इस परिस्थिति के साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात है हम जो कुछ भी आज है आज जो कुछ भी हम यहां पर बैठे हैं व्यक्ति के स्तर पर हो या समूह के स्तर पर हो प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशन हम जो कुछ भी है हमारी एक कंटिन्यूटी है एक संतति है एक सातत्य के सारे कारण हम बने हमारा परिचय हम अपने माता पिता के नाम से देते हैं और भारत में तो नाता पिता नहीं फिर गोत्र तक जाते हैं पता नहीं कितने साल पुराना कितने हजार वर्ष पुराने किसी ऋषि का परिचय देते हैं मैं उस ट्रेडिशन के मेरिट डिमेरिट की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट कि हम उसका प्रोडक्ट है आज आईआईटी है तो आईआईटी की अपनी एक पहचान है तो वो पहचान एक ट्रेडिशन से बनी हुई है कुछ परंपराओं का पालन इतने वर्षों से होता रहा अब मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा नहीं तो वो भी बड़ा मजेदार विषय है नकलचियों का ही ये देश कैसे बन गया है और स्वतंत्रता के बाद और मजेदार स्थितियां बनी लेकिन अपना वो विषय नहीं है अपना जो आज का विषय उस विषय के लिए ये बेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं जो आज विश्व में इसकी चर्चा शुरू हो गई है और आज नहीं मतलब पिछले दो दशकों से वो लोग इसकी मार सहन कर रहे हैं हर फील्ड में मार सहन कर रहे हैं इसलिए एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और सोसाइटल लेवल पे गुरुमूर्ति जी बहुत विस्तार से आपको इन सारी बातों को बता रहे पिछले पाँच छः सत्रों से केवल इसी में नहीं टेक्नोलॉजी में साइंस में हम चाह कर रहे हैं, सारे जीवन की तरफ देखने के दृष्टिकोण में सफलता का दृष्टिकोण हमारे यहां भी बदल रहा है हमारे यहां मतलब सारे विश्व का ही बदल रहा है मेरे बचपन में आईआईटी की खबर अखबार में यदि मैं पढ़ता था तो वो इस बात के लिए पढ़ता था कि कोई नई खोज आई के किसी स्टूडेंट ने की फ्रंट पेज पे किसी आईआईटी का नाम तब आता था जब आईआईटी ने कुछ खोज की अब फ्रंट पेज पे आई का नाम आता है कि कितने लाख का पैकेज मिला दैट इज द चेंज हमारा सफलता का मूल्यांकन करने का तरीका बदल गया दुनिया में बदला है विज्ञान में बदला इकोनॉमिक्स में बदला आर्थिक जीवन पे बदला व्यक्तित्व विकास के सोच में बदला सब में बदला है सारी दुनिया में इसमें परिवर्तन आया बहुत दिनों से बहुत तरह के परिवर्तन आते गए पहले यह सोचा गया कि गति ही प्रगति है स्पीड इसने स्पीड के ऊपर काम हुआ सारे टेक्नोलॉजी में साइंस में सारा जो काम हुआ वो स्पीड के लिए काम हुआ सुपरसोनिक और क्या 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 मन की गति तक जाने का प्रयत्न वैज्ञानिकों ने किया क्योंकि हमारे माना गया कि सबसे जबरदस्त गति मन की गति है हम हनुमान जी को मानते हैं कि वो मन की गति से आते जाते थे ये हनुमान जी का माना गया कि वो द्रोणागिरी लेने गए तो आला गेला मनोगति समर्थ रामदास ने कहा मन की गति से गए और वापस आ गए तो वो मन की गति तक जाने के लिए विज्ञान ने प्रयत्न किया फिर उनको लगा नहीं नहीं गति से काम नहीं चलेगा तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरा पैराडीम आया कि सफल क्या है क्या अच्छा है तो वहां पर विदेशों में शुरू हुआ भारत में इतना आया नहीं हमारे पास में जनसंख्या आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत सारी चीजें से हम बच जाते हैं वहां पर जनसंख्या और स्थान का रेशियो कम है इसलिए उन्होंने कहा बिग इज इस ब्यूटिफुल इसलिए बड़ी बड़ी कारे इसलिए आप अमेरिकन कार देखेंगे तो वो लीमो होती है वो कितनी बड़ी होती है भगवान जाने कैसे चलती होगी उसके लिए कैसी सड़कें बनाई होगी तो बड़ा यानी बहुत अच्छा फिर एक आदमी के रहने के लिए बड़े बड़े घर सब कुछ बड़ा 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 बना होना चाहिए तो सारा रिसर्च सारी टेक्नोलॉजी सारा इकोनॉमिक सारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बड़े के लिए हुआ फिर कहा कि बड़े से नहीं काम चलेगा तो फिर एग्जैक्टली अपोजिट फिर नैनो टेक्नोलॉजी आ गई सूक्ष्मता तो आप सूक्ष्मता में जाओ सूक्ष्मता में जाओ सूक्ष्मता में जाओ सूक्ष्मता में जाते जाते कहा हो गया कहा जाकर के पहुंचे कि हम पार्टिकल पार्टिकल्स के पार्टिकल पार्टिकल्स के पार्टिकल कणों के कणों के कणों का अध्ययन करो और फिर वो हम लोग जानते हैं अभी जो हुआ हिग्स बोसोन को लेकर के गॉड डैम पार्टिकल को गॉड पार्टिकल बना दिया हमने वो लेखक ने लिखा गॉड डैम पार्टिकल और हमने उसको गॉड पार्टिकल नाम दे दिया डैम छाप नहीं सकते थे अखबार में गाली थी इसलिए उन्होंने डैम हटा दिया उसका भगवान से कोई लेना नहीं देना नहीं भगवान की थेरी से कोई लेना देना नहीं ईश्वर से उसका कोई लेना देना नहीं लेकिन आम आदमी जिसने उसको मैंने तो केवल अपनी अपनी रुचि के खातिर सरद की वेबसाइट पर जाकर के खोज की कि ये हुआ क्या है ये हिग्स बोसान की खोज हुई यानी हुआ क्या इसलिए मैंने सरद की वेबसाइट पर उसके बारे में जानकारी की और आठ दस उसके पेपर पढ़े टेक्नोलॉजिकल मेरा दिमाग चकरा गया मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है इसलिए भी चकरा गया हो सकता है आप लोगों में से जो टेक्निकल या साइंटिफिक बैकग्राउंड के वो शायद समझ पाए उसको अच्छी तरह से लेकिन पूरा समझने के बाद मेरे को एक बात अच्छे से पता चली कि कुछ नहीं मिला है वैज्ञानिक उसमें लगे हुए है वो बता रहे कि कुछ नहीं मिला है अभी खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन सूक्ष्म प्रगति गति गति से 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 बड़ा बड़े छोटा छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म से, से सूक्ष्मतर सूख्ष्म सारा जमाना नैनो टेक्नोलॉजी का आईआईटी दिल्ली के अंदर जब हम वर्कशॉप ले रहे थे तो आईआईटी दिल्ली में नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले प्रोफेसर जगदीश कुमार के साथ अच्छा व्यक्तिगत संबंध और संपर्क मेरा बना हमारे साथ वो जुड़े हुए रहे मैंने उनसे समझा कि मैंने कहा ये है क्या नैनो टेक्नोलॉजी जरा समझाओ तो और एक टीचर को इससे ज्यादा मजा क्या आएगा उनके क्लास उनके ऑफिस में बैठे थे और उनके ऑफिस में छोटा सा ऑफिस बारह दस का ऑफिस और उस ऑफिस के अंदर पीछे ऐसे ही ब्लैक बोर्ड लगा रखा है उन्होंने आज गुरु मूर्ति जी को देख करके मुझे वही आनंद आ रहा था इज बेसिकली ए टीचर गलती से सीए बन गए सो ही एट बेस्ट जब ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे मैं पिछले कई वर्षों से गुरुमूर्ति जी के साथ में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और करीब से उनको जानता हूं तो इसलिए आज गुरु मूर्ति जी को देख करके मेरे को बड़ा मजा आया कि दिस इज व्हाट ही रियली इज वैसे प्रोफेसर जगदीश कुमार को बड़ा मजा आया उन्होंने तुरंत चौक और डस्टर लिया और मेरे को आधे घंटे तक उनको ध्यान भी नहीं मेरे को समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा उन्होंने मेरे को वो समझाने की कोशिश की दुनिया का सोच सफलता के तरफ देखने की सोच बदल रही है और पिछले बीस वर्षों में इस सब में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया गति में बड़े में फिर उस बड़े के अंदर कंजम्पशन वगैरह सारा वो बड़े बड़े के चक्कर में हुआ और सबको देख करके चाहे कॉमर्स हो चाहे विज्ञान हो चाहे टेक्नोलॉजी हो सारे विश्व को जिस ढंग से हम चला रहे हैं या पॉलिटिक्स हो उस सारे चलाने के अंदर जो एक जो एक एक केंद्रितता सेंट्रलाइजेशन आ गया कि हम जो कहते हैं वैसा सबको करना चाहिए और सब लोग हमारे जैसा करेंगे तभी वो ठीक होगा इस बात को लेकर के जो सारा काम हुआ उसके दुष्परिणाम

और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो बना वो सबसे बड़ा कारण दो चीजें विश्व के सामने ऐसी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है कि जिसका उत्तर अभी तो नहीं मिल रहा दुनिया को एक चुनौती है पर्यावरण की चुनौती एनवायरमेंटल क्राइसिस इज हैज कम टू सच ए प्रपोर्शन इस स्थिति में पहुंच गया कि इट हैज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मानव जाति ये पूरी पृथ्वी बचेगी कि नहीं बचेगी यहां तक जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट है वो यहां तक बात कर रहे हैं कि कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलता क्योंकि उनके पास में उसके लिए प्रमाण है एक करोड़ वर्षों में जितनी स्पेसिस खत्म हुई उसके बराबर की स्पेसिस 500 साल में खत्म हुई पिछले सो रेट ऑफ एक्सटेंक्शन ऑफ स्पेसिस वो जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसके कारण दुनिया में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा हमने सारे के सारे तंत्र को तंत्र ज्ञान को सारी टेक्नोलॉजी को सारे विज्ञान को सारे विकास को सारे व्यापार को सारी बातों को सारी जीवन शैली को दिस ऑल टूगेदर कैन बी टर्न इन टू वन वर्ल्ड लाइफ स्टाइल इस सबको ऐसा बना दिया कि जिसके द्वारा हम विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे ये प्रश्न मानवता के सामने आया इसलिए जब मिलेनियम चेंज की बात हो रही थी जिस समय 2000 में शस्त्राब्दी के परिवर्तन की बात हो रही थी तब सबसे बड़ा प्रश्न यह था आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे तो इसलिए दोहा में और अभी अभी कुछ मैंने पूर्व बाली के अंदर सारी दुनिया इकट्ठी आकर के प्रश्न पूछ रही है कि बचेगा कि नहीं बचेगा पृथ्वी सम्मेलन लिया सन 2000 के पहले 1999 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और उस पृथ्वी सम्मेलन में चर्चा हुई कि पृथ्वी बचेगी कि नहीं बचेगी और दोहा के उस पृथ्वी सम्मेलन का जो थीम था उस कॉन्फ्रेंस का जो वाक्य था वो थीम वाक्य था वो ब, सारे पृथ्वी के पृथ्वी के बचाने के लिए लोग आए हैं तो उन्होंने वाक्य दिया है मदर वी आर हर चिल्ड्रन ये वेद मंत्र का वाक्य माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्याम उनको नहीं पता होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने वेदों से चोरी किया दुनिया की कोई भी मनीषा सत्य का विचार करेगी तो एक ही जगह पहुंचेगी आपको जब न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाया गया था पांचवी छठी सातवी जब भी सिलेबस में होगा आजकल तो मुझे लगता है तीसरी चौथी में डाल दिया होगा हमारे समय सौभाग्य से छठी में था मैं देखता हूं आजकल के बच्चों को बेचारे क्या क्या पढ़ना पड़ता है उनको तीसरी के चौथी के बच्चे क्या क्या रट रहे होते हैं आई एम सो सरप्राइज मेरे भाई की बेटी वो तीसरी या चौथी में है परसों में जब गया तो वो कुछ रट रही थी मैंने कहा क्या रट रही है तो बोले हमारे यहाँ एक चैप्टर है उसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस इंग्लिश मीडियम में बिचारी पढ़ रही थी तो वो वो पढ़ते समय वो पढ़ रही थी वायरस मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेस मैंने कहा वायरस कहाँ से नेचुरल रिसोर्स हुआ तो मैंने उसको कहा जरा देना तेरी कॉपी जब कॉपी हाथ में ली तो वो वेरियस था उसकी टीचर की गलती थी उसकी मुझे पता नहीं मैं उस चक्कर में पढ़ा नहीं टीचर के प्रति असम्मान हो जाता है इसलिए मैं टीचर के प्रति, प्रति पढ़ा नहीं मैंने कहा इसकी अंग्रेजी ठीक करने की जरूरत नहीं पर वो तीसरी के बच्चे को आप ये रटा रहे हो वेरियर वेरियस मिनरल्स दैट आर फाउंड इन दी अर्थ आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह 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 क्या था पता नहीं मैंने कहा इसका अर्थ क्या है उसको शब्द का अर्थ पता है वो वायरस बोल रही है लेकिन उसको अर्थ पता है उसने कहा अलग अलग मैंने कहा अरे वाह तेरे को अर्थ तो पता है फिर शब्द क्यों नहीं पता फिर मैंने उसकी मां को कहा कि जरा ध्यान दो इसकी तरफ तो माँ कहती है मेरे पास समय नहीं है मैंने कहा तो बहुत अच्छा है उसको मराठी मीडियम के स्कूल में डाल तो झंझट मिट जाएगा कम से कम बच्ची का ये माथा पच्ची तो खत्म हो जाएगी बिचारी अपने आप से कुश्ती लड़ रही है एनीवे anyway, मैं क्या अभी शिक्षा का काम हूं तो बार बार उस पर आ जाता हूँ मैं उस विषय पे शिक्षा के विषय पे क्योंकि मेरा बेसिक काम अभी वो चल रहा है इसलिए तो सारी दुनिया के सामने ये प्रश्न आया तो हमें इस प्रश्न पर विचार किया गया अभी बाली में विचार किया गया कार्बन फुटप्रिंट्स की बात होने लगी आपको अपने देश का बताना पड़ेगा कि आप कितना कार्बन एमिशन करते हो आज यहां तक बात आ गई कि आप अपनी किसी भी एक्टिविटी का कार्बन सिग्नेचर क्या है इसके बारे में बात करो क्योंकि दुनिया को लगने लगा बचेंगे कि नहीं बचेंगे और फिर जैसा होता है कि बैंडेड थेरेपी शुरू हो गई सब जगह पर बैंडेड लगाने शुरू कर दिए हमने कहा कि एमिशन को रोको इसको रोको फिर उसके लिए फ्यूल फॉसिल फ्यूल को रोको फिर ये करो बहुत सारे पैचवर्क के काम किए गए पैचवर्क के काम से काम जमाने अब क्या किया जाएगा यह स्थिति हर चीज में थी मेडिकल के फील्ड में मेडिकल के फील्ड में एक थ्योरी डेवलप हुई अमेरिका के अंदर ये जो सारा का सारा सिद्धांत है ना कि जियो मस्ती करो जियो और मस्ती करो वो जो चारवाक का सिद्धांत है वो सिद्धांत है। आज हम सबके जीवन का सिद्धांत बन गया हम कहते हैं ये जीवन सामने दिख रहा है उसको जियो ना एंजॉय करो ड्रिंक बी हैपी मस्ती करो ये लाइफ स्टाइल बन गई और फिर बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर ने कहा क्या को चिंता कर दो बीमार पड़ जाओगे तो हमारे पास आओ हम तुमको दवाई देंगे तुम ठीक हो जाओगे सो दिल थेरेपी हर घर के अंदर यूरोप और अमेरिका के हर घर के अंदर मेडिसिन कैबिनेट इतना बड़ा 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 उसका आकार बड़ा बड़ा होता गया पहले वॉश बेसिन के ऊपर छोटा सा हुआ करता था बेडरूम में बड़ा उनको रखना पड़ता है इतनी सारी प्रिस्क्रिप्शन की अंदर मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा आज से चौदह साल पहले आज से चौदह साल पहले रीडर्स डाइजेस्ट में एक लेख आया था जो कहता था कि एवरेज अमेरिकन को जो स्लीपिंग पिल का इंटेक है जो उनको नींद की गोली खानी पड़ती है वह पर अमेरिकन उसका एवरेज आता है एटीन पिल्स अठारह गोली खाए बिना अमेरिकन को नींद नहीं लगती ये रीडर्स डाइजेस्ट ने चौदह साल पहले कहा था अमेरिका एक दिन में जितने दिन की गोलियां खाता है सारी दुनिया छह महीने सो सकती है ये रीडर्स डाइजेस्ट लिखता है हम कितने सौभाग्यशाली है भारत में कहीं भी सो सकते हैं लेक्चर में सो जाते हैं बस में बैठे बैठे नहीं जनरल बोगी में खड़े खड़े लोगों को सोते हुए देखा है मैंने हाथ टंगा लोकल में आपने भी देखा होगा खड़े खड़े सो जाते कितने सुखी देश के लोग हैं वहां लोगों को अठारह गोलियां खा करके नींद नहीं आती हुआ क्या डीन ऑर्निश नाम का एक हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आया जो कार्डियोलॉजिस्ट प्रेसिडेंट का कार्डियोलॉजिस्ट था उस कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा वॉन्ट वर्क दिस थेरेपी वॉन्ट वर्क और उस दिन और ने पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था चेंज चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन थे उसने कहा जीवन शैली बदलने पड़ेगी इफ यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट इफ यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर लीवर इफ यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज यू विल हैव टू चेंज योअर लाइफ स्टाइल वी कैनॉट गारंटी कीप यर लाइफ स्टाइल एंड वील टेक केयर ऑफ बॉडी नो दैट इज नॉट गोइंग टू हेपन एलोपैथी ने पहली बार माना कि मन कुछ होता है और मन का परिणाम शरीर के ऊपर होता है सारे विश्व का जो भविष्योन्मुखी चिंतन है उसकी बात कर रहा हूं आने वाले समय में काम किस पे करना चाहिए आने वाले समय में हमको काम करना पड़ेगा क्या जीवन जीने का कोई ऐसा तरीका है जिसमें शाश्वत विकास हो समग्र विकास हो परमानेंट हो सस्टेनेबल के दो तीन डायमेंशन जो आज विश्व में चिंता में चल रहे फिर वो बैंडेड थेरेपी में बहुत विचित्र बातें होती है लेकिन फिर भी कुछ जो चिंतन विश्व में चल रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा फिर हम अपने चिंतन पर जिसकी मैं बात करना चाहता हूं यहां पर जिसकी बात करने के लिए मैं आया हूं भारतीय चिंतन इसका जवाब दे सकता है और पर फिर हम केवल पुराणों की और वेदों की और उपनिषदों की बातें करके नहीं चलेगा चलेगाईट टुडे क्योंकि उसके बिना ज्ञान नहीं होता है पांचवी छठी में जब गुरुत्वाकर्षण का नियम मुझे पढ़ाया गया उसी समय मैंने कैसे पढ़ा था मुझे याद है आपको कैसे पढ़ा आप मुझे याद नहीं आपने कैसे पढ़ा लेकिन आपको याद होगा शायद मैं अपनी घटना बताऊं तो आपको वो याद आ जाएगी न्यूटन के नियम को जब मेरे को सिखाया गया तो शिक्षक बड़ा मजेदार तरीके से सिखाते हैं कि पेड़ के नीचे बैठा था और सेव गिरा टीचर इंटरेस्टिंग होता है तो सेव न्यूटन के सिर पर गिरता है थोड़ा बोरिंग टीचर हो तो सामने गिरता है इतना सही फर्क है सेव गिरता है नीचे और सेव गिरता है और न्यूटन देखता है ऊपर सेव नीचे गिरता है न्यूटन ऊपर देखता है और सोचता है वाई और वाई के सोचने से उसको नियम पता चलता है कि ये पृथ्वी खेच रही है और उसको कहा गुरुत्वाकर्षण है दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का और उसका फॉर्मूला याद नहीं होगा लेकिन ये घटना सबको याद है लेकिन इस घटना के तुरंत बाद आपने क्या किया था ये याद है क्या मुझे याद है मेरे को सामने वाले बेंच पे बैठाया करते थे टीचर लोगों के बहुत शैतान था मैं पीछे बैठता था तो बहुत शैतानी करता था इसलिए मेरे को सामने बैठाते थे नहीं तो हमारे यहाँ ए बी सी डी से बैठने की व्यवस्था थी तो मुकुल से भी नहीं आता और कनेटकर से भी सामने नहीं आ सकता था।, था लेकिन मेरे को जबरदस्ती सामने बैठाते थे <laughs> शैता नहीं करेगा करके बहुत अच्छे टीचर थे बहुत ज़बरदस्त टीचर मैं उनको नहीं भूल सकता छठी को कितने साल हो गए मेरे लेकिन मेरे को आज भी याद है वो टीचर उन्होंने जैसे ही घटना बताई और ये सिखाया मुझे आज भी याद है मेरे हाथ में वो इरेजर था रबड़ और मैंने उस रबड़ को ऊपर फेंका और कैच किया एंड देन आई सर्टिफाइड ओ न्यूटन वाज़ करेक्ट आई डिड नॉट एक्सेप्ट ग्रेविटेशन बिकॉज बक्शी सर टोल्ड मी आई डिड नॉट एक्सेप्ट ग्रेविटेशन बिकॉज न्यूटन टोल्ड मी और आगे चल करके मैंने जब अपने शास्त्रों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला दो हजार साल पहले भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व में लिख के रखा भारद्वाज मुनि ने यंत्र सर्वस्व नामक का ग्रंथ लिखा जिसका वैमानिकी प्रकरण अभी भी उपलब्ध है मेरे पेनड्राइव में भी है और उसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है इतना ही नहीं उस गुरुत्वाकर्षण से कैसे ऊपर जाना यह भी लिखा प्रश्न यह नहीं कि पाराशर से न्यूटन ने सीखा कि नहीं क्योंकि न्यूटन से जब मैंने ही नहीं सीखा तो भारद्वाज से कहां से न्यूटन सीखेगा सीखना तो हमको खुद को ही पड़ता है नॉलेज इज बेसिकली डिस प्रोसेस प्रत्येक की अपनी घटित होती है उस समूह की घटित होती है उस समूह की अपनी यह बात होती है और इसको समझे बिना सस्टेनेबिलिटी पर विचार नहीं कर सकते इसलिए सस्टेनेबिलिटी पर विचार करते समय इस महत्वपूर्ण बात को हमको समझना पड़ेगा अपने कुछ मिथक तोड़ने पड़ेंगे बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में जैसे एक मॉडर्न शब्द है आजकल मॉडर्न शब्द मॉडर्न का अर्थ क्या मॉडर्न शब्द का सिंपल अर्थ है च इज मोर रिसेंट समय में अभी का है इसलिए वो मॉडर्न है सिंपल हिंदी में आधुनिक कहते हैं, संस्कृत के अधुना शब्द से आया है अधुना से आधुनिक बना अधुना में एक प्रत्यय लगने से आधुनिक बना अधुना एक आधुनिक आधुनिक मतलब क्या समय के काल में कोई चीज पुरानी थी कोई चीज नहीं है इतना सा मॉडर्न का अर्थ है लेकिन मेरी वेशभूषा को आप मॉडर्न कह सकते हैं क्या लेकिन मैं गारंटी से बताता हूं आपके पैंट के बाद में इस धोती को खरीदा गया है आधुनिक है अधूना है टाइम सेंस में ये धोती इज मोर रिसेंट मेनी ऑफ़ योर जींस आपकी बोरियों से ये आधुनिक है लेकिन आप नहीं मानेंगे इस बात को मानेंगे क्या क्योंकि आपने आधुनिक शब्द का अर्थ बदल दिया हमारे मिसकंसेप्शंस कितने जबरदस्त है मॉडर्न इज ओनली टाइम सेंसिटिव वर्ड बट वी हे मेड इथ कल्चर सेंसेटिव वर्ल्ड सो वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन ये बाहर के बातों में और टेक्नोलॉजी के मामले में क्या मॉडर्नाइजेशन मतलब वॉट इज मॉडर्न दैट इज एडवांस आपका मोबाइल मेरे मोबाइल से मॉडर्न है मतलब वो एडवांस है सामान के चलते इसलिए एवरीथिंग दैट इज मॉडर्न इज एडवांस एवरीथिंग दैट इज एंशंट इज समथिंग गड़बड़ ओल्ड ये जो टाइम सेंस का एक लीनियर कंसेप्ट आया मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने स्टीफन हॉकिंस की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ी है उसमें वो ये बात को बहुत साइंटिफिकली समझाते हैं बेसिकली द होल वेस्टर्न पैराडिम वेस्टर्न लाइफस्टाइल वेस्टर्न लिविंग इज बेस्ड ऑन दिस लीनियर कंसेप्ट ऑफ टाइम भूत वर्तमान भविष्य एक रेखा में एक लीनियर वे में टाइम जा रहा है और यदि लीनियर वे में होगा तो जो पुराना है वो खराब होगा जो नया है वो अच्छा होगा मॉडर्न विल बी एडवांस इफ टाइम इज लीनियर फिजिक्स कहता है नहीं है टाइम लीनियर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वो कहता है कि लीनियर टाइम से हम फिजिक्स के एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत सारी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे ब्लैक होल की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे सुपरनोवा की समस्याओं को नहीं समझा पा रहे इतना ही नहीं सूक्ष्म स्तर पे भी नहीं समझा पा रहे हिजेंसबर्ग का जो अनसर्टनिटी प्रिंसिपल आया जिसमें वो कहता है कि एक कण को जब मैं देखता हूं तब उस कण की स्थिति बताऊं तो गति नहीं बता सकता गति बताऊं तो स्थिति नहीं बता सकता यह सिंपल आइंस्टाइन की थेरी से डिपर था क्लासिकल मैकेनिक्स में आइंस्टाइन कहता है कि थेरी रिलेटिव है एक दूसरे से जुड़ी हुई है किसी एक वस्तु का स्थान आप बता दो और किस गति से मुव कर रही है बता दो तो उसका स्थान मैं बता दूंगा कि दो मिनट बाद वो कहां रहेगी दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्टिकल्स को देखते समय उनको पता चला कि नहीं स्थिति बताओ तो गति नहीं बता सकते गति बताओ तो स्थिति नहीं बता सकते उसको हेजनबर्ग ने कहा कि इट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सारा क्वांटम फिजिक्स उससे डेवलप हुआ सारी आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी और वो सब कुछ उससे डेवलप हुआ लेकिन वो प्रिंसिपल का नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको पता नहीं हो क्या रहा है फिर उसके आगे अनेक थे आई मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा टेक्निकल बातों से मैं उसका विषय मेरा विषय भी नहीं वो इसलिए मैं उन विषयों पर बहुत ज्यादा नहीं केवल मेरी जानकारी के लिए जितना जाना है उतना बता रहा हूं लेकिन ये विषय क्या हो गया मैं आपके सामने जो विषय रख रहा हूं वो विषय रख रहा हूं एंशंट कैन बी एडवांस बिकॉज टाइम इज नॉट लिनियर बेसिकली टाइम इज साइकिल दिस इज वॉट फिजिक्स इज कमिंग टू उन्होंने साइकलिक से भी आगे का शब्द प्रयोग किया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में स्टीफन हॉकिस लिखता है कि टाइम इज फियरिकल अनलेस यू कंसिडर टाइम्स में सदियों से समय को कालचक्री कहते हैं बीता हुआ समय फिर वापस आएगा इसलिए एंशंट को कभी हमने रिजेक्ट नहीं किया मुझे पता नहीं गुरुमूर्ति जी ने बताया कि नहीं लेकिन गुरुमूर्ति जी का वो प्रिय विषय अभी तक नहीं बताया होगा तो आगे आएगा जब सन दो में यह पर्यावरण आदि की बातें चल रही थी उससे समय इकोनॉमिक चिंतन भी चल रहा था तो विश्व के प्रगत देशों ने मिलकर के एंगस मेडिसन को काम दिया कि दुनिया का आर्थिक इतिहास लिखो ओएसीडी कंट्रीज का जो ग्रुप है उन ओएसीडी ने यह काम दिया एंगस मेडिसन नाम के एक इकोनॉमिस्ट एक को जिसके अभी 2006 में मृत्यु हुई 99 से 2000 तक उन्होंने उसके बारे में चिंतन किया और उसके बारे में पूरी पढ़ाई स्टडी की और पूरी स्टडी करके और उन्होंने सारे दुनिया के जीडीपी का एक चार्ट दुनिया के सामने रखा और दुनिया हिल गई क्या ऐसा था क्या उनको पता ही नहीं था हम लोगों को आज भी नहीं पता है पॉल बेरोक नाम के एक इकोनॉमिस्ट एक ने वो बात लिखी थी और उसको देख करके ओ ने मैंगस मेडिसन को काम दिया मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए वो चार्ट यहां पर आपके सामने रखा है ईसा मसीह के प्रारंभ से मतलब जीरो ईस्वी सन जीरो से लेकर 2008 तक का पूरा डाटा इसके अंदर उन्होंने एक चार्ट में दे दिया कि कैसे कैसे चाइना भारत और इनका क्या क्या होता रहा और कैसे वो आगे बढ़ा केवल हम लोगों के दिमाग में ये जो बात है कि प्राचीन है वो सारा टाका हुआ है प्राचीन है वो सारा गड़बड़ है और आधुनिक है वही ठीक है केवल उसको एक चिंतन के लिए चर्चा के लिए विषय देने के लिए मैंने ये बात यहां पर रखी मुझे इसका इकोनॉमिक्स नहीं डिस्कस करना है लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि एक ऐसा व्यापार का मॉडल इस देश ने डेवलप किया था जिसने सारी दुनिया में एक जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट मोर देन थर्टी थ्री परसेंट और आप देखेंगे तो बिल्कुल सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत की वो स्थिति है और जब से अंग्रेजों ने इस देश में सारा पैराडीम शिफ्ट किया और हमारा जो व्यापार था उस व्यापार की कमर तोड़ी हमारा व्यापार हमारा पूरा अर्थशास्त्र धर्माधारित था मैं उस पद पर आने वाला हूं वो मेरा मुख्य विषय है आज का उस व्यापार को तोड़ा उसके बाद में गति धीरे धीरे होती गई और आज भारत कहां पर पहुंच गया देख लीजिए ढूंढना पड़ता है कहां पर है ये बीस के पास में लिखा हुआ है छोटा सा नीचे में चाइना बड़ा हो गया भारत का इतना सा कंट्रीब्यूशन रहा सारे दुनिया के जीडीपी के अंदर हमारा व्यापार कमजोर हो गया मैंने क्यों धर्माधारित ये शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वो व्यापार वैसा ही था सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह आज दिखाई देते केवल फारेस्ट में नहीं फॉरिस्ट में तो दिखते ही है अभी कुछ साल पहले रह गया नहीं तो वो फोटो भी मैं आपको दिखा सकता था अभी पिछले साल 2013 में वॉशिंगटन डीसी में आठ फुट की और सरस्वती की सफेद मूर्ति खड़े कमल के ऊपर खड़ी है हंस भी है नीचे और हाथ में वीणा ली हुई आठ फुट की खड़ी मूर्ति वॉशिंगटन डीसी में लगाई गई स्थापित की गई अमेरिका के अंदर सरस्वती की मूर्ति और उसके नीचे लिखा है द एंशियंट गॉडेस ऑफ लर्निंग विद्या की देवी आपको आश्चर्य होगा किसने वहां पर इंस्टॉल की भारत ने नहीं उस देश ने इंस्टॉल की जिस देश की आबादी का अट्ठानवे प्रतिशत मुस्लिम है अट्ठानवे प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया ने अमेरिका को वो गिफ्ट दी इंडोनेशिया के एम्बेसडर ने अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है उनका जो विदेश मंत्री होता है उस विदेश मंत्री के साथ में उसका इनोग्रेशन किया रह गया मैं कल रात को उसको लगा नहीं पाया स्लाइड में बहुत देर हो गई थी इसलिए नहीं तो मैं आपको वो मूर्ति दिखा था जहां हिग्स और बोसॉन हिग्स बोसन की खोज चल रही है उस सर्न के अंदर जहां पर पार्टिकल का वो जो प्रयोग चल रहा है उस सर्न लेबोरेटरी के बाहर एक बहुत बड़ा नटराज की मूर्ति लगाई गई है 2003 में लगाई गई वहां पर अनिल कर गए थे भारत ने दी वो और उस मूर्ति को लगाते समय वहां जो इनोग्रेशन का कार्यक्रम हुआ था सर्न का डायरेक्टर जो एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर है वो प्रोफेसर कहता है हमने ये मूर्ति इसलिए यहां पर लगवाई भारत में हमको डोनेट दी वो तो ठीक है लेकिन ये इसलिए लगाई दिस कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा इज बेसिकली वॉट डिफाइन्स बिगिनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस क्रिएशन ये फिजिक्स का प्रोफेसर कह रहा है हम लोग बात करते तो हमको लगता है ये धोती वाला तो ऐसी बातें करेगा पुराण पंथी बातें करेगा इसलिए हमारी खोपड़ी ऐसी बनी हुई है इसलिए विदेशियों के बताने पड़ते हैं हंगस मेडिसन के बताने पड़ते हैं हम मानते तब है बातों को स्वामी विवेकानंद को हमने तब स्वीकार किया जब शिकागो वालों ने तालियां बजाई इतनी गुलामी हमारे अंदर उससे पहले छह साल भारत में दर दर भटकते रहे किसी ने नहीं घास डाली और जब वो शिकागो वालों ने तालियां बजाई हाँ यार ये कोई है यार ग्रेट हार्वर्ड वाला कह रहा है ड में जाकर के भाषण दिया और हॉर्वर्ड के प्रोफेसर कह रहे इनसे जैसा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं तो भारत वालों की नींद इंटेलेक्चुअल इसलिए मैं गुलाटलेक्चुअल डीसी की सरस्वती बता रहा हूं और एक मुस्लिम देश दे रहा है क्यों क्योंकि उस देश में भारतीय संस्कृति के प्रचाप है आज भी क्वालामपुर यूनिवर्सिटी में सरस्वती की मूर्ति की पूजा होती है मुस्लिम वाइस चांसलर पूजा करता है भारत में नहीं कर सकते सेक्युलर है ना इंडोनेशिया में होता है नाइन्टी एट परसेंट मुस्लिम है उस देश में वहां होता है वहां की बीस हजार डॉलर की जो नोट है भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है मैं इस देश को छोड़कर के पैंतालीस वर्षों में कहीं नहीं गया जाना भी नहीं मेरे को मेरे को कई बार लगता है कि भगवान ना करे कि एक मिनट के लिए भी इस भारत माता से दूर होना पड़े इसलिए मैं गया नहीं लेकिन इंटरनेट से अच्छा है सब पता चल जाता है मेरे को कोई इंडोनेशिया से वापस आए तो उन्होंने कहा इंडोनेशिया की एक नोट के ऊपर गणेश जी की फोटो छपी हुई मैंने कहा कौन सी नोट है मैंने खोजा इंटरनेट पे मिल गई वो नोट वो गणेश जी की नोट बीस हजार डॉलर की नोट है वहाँ इंडोनेशिया में 1998 में जबरदस्त कन्वर्टेबिलिटी कारण उनका एकदम जबरदस्त उनकी करेंसी का डाउनफॉल हुआ और डॉलर के अगेंस्ट उसकी करेंसी बहुत खराब हो गई और एक डॉलर अट्ठानवे हजार वहां की करेंसी का नाम रुपया है प के ऊपर दो मात्रा इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है उस रुपया अचानक गिर गई एक डॉलर को अट्ठानवे हजार इसलिए वो लोग कहते थे कि बोरी में भर करके पैसा ले जाते थे और एक ब्रेड खरीद करके लाते थे यह स्थिति 1998 में अचानक हुई जिस समय फिर वो सुकारर्णो मेगावती सुकारणो पुत्री को इस्तीफा देना पड़ा उस कारण वो बीस डॉलर की वो नोट है आगे के तीन शून्य बोलना आजकल उन्होंने छोड़ दिया वो बीस की बीस की कहते बीस हजार रुपये की नो, नोट है वो उस नोट के ऊपर गणेश जी दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर भारत में नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर अंकोरवाट में है, जो कंबोडिया के अंदर है। यूनेस्को ने जब 1988 में 88 में जब यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशंस का जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसने सारी दुनिया को कहा कि आपके यहां के एक ग्रंथ को नेशनल रिकॉग्निशन है ऐसे ग्रंथ का नाम भेजिए दुनिया के 18 देशों ने रामायण का नाम भेजा उस 18 में भारत नहीं था भारत सेक्युलर देश है कुछ अठारह देशों में इंडोनेशिया है मलेशिया है कंबोडिया है लाहौस है थाईलैंड है श्रीलंका है इन्होंने कहा रामायण हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है आज भी उन देशों में रामायण खेली जाती है मंचिय, मंचिय रूप से खेली जाती है नियमित रूप से मैं यह बातें इसलिए बता रहा हूं आपको लग रहा होगा हेंगस मेडिसिन का चार्ट बना रखा है और गणेश जी की और शिव जी के मंदिर की अंकुर के मंदिर की क्यों बात कर रहा हूं यह सारी संस्कृति वहां पर इन व्यापारियों ने पहुंचाई ऋषियों ने नहीं पहुंचाई कंबोडिया को कंबोडिया नाम देने वाला जो कंबू था वो कंबू व्यापारी था टेक्सटाइल का व्यापारी था भारत से मलमल -मल चीन में ले जाता था एक बार जहाज खराब हुआ और गलती से वो उस द्वीप पर जिसका कोई नाम ही नहीं था वो कंबू के वहां उतरने के कारण उसका नाम कंबू द्वीप पड़ा वहां जो वनवासी रहते थे उन तो वनवासियों को कपड़े क्या ही देखे नहीं थे उन्होंने और वहां महिलाओं का राज था तो वहां की रानी जहर बुझे तीरों से जो भी आता था उनका स्वागत करती थी और वहां की रानी और सारी वो महिलाओं की सेना और झाड़ियों के पीछे छुपी हुई और जैसे कंबू उतरा इसको सब लोगों ने कहा खलासियों ने कि जाना मत आगे वो तो सीधे जहर बुझा तीर मारते बातें कुछ करते नहीं इसने अपने हाथ में सफेद मलमल का थान लिया कपड़ा नीचे लहरा रहा था और ये थान हाथ में लेकर के कंबू वहां पर गया सामने वो रानी ने जहर जहरबुझे तीर को नीचे रखा उसको लगा कि इसके आंखों में जो प्रेम दिखाया जो भी अपनत्व दिखा उसने अपने हाथ नीचे किए महारानी इसको कंबू ने वहां के लोगों को कपड़े पहनना सिखाया वहां के लोगों को संस्कृति सिखाई इसलिए आज भी उसको कंबोडिया कहा जाता है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा जिस समय पोलपाट का कम्युनिस्ट राज वहां पर खत्म हुआ तो वहां का कम्युनिस्ट राज खत्म होते ही सबसे पहला काम वहां के लोगों ने कुछ किया होगा तो रामायण का मंचन किया कम्बोडिया का रामायण में हनुमान सूत्रधार होता है एक ब्रिटिश हिंदू चार परसेंट है केवल कंबोडिया में बुद्ध है कुछ और बाकी सारे मुसलमान हो गए उसके बावजूद हनुमान का रोल करने वाला मुसलमान है वो मंच के ऊपर ऐसे ऊपर से रस्सी से टंगा हुआ एंट्री करता है वही सालों से वही हो रहा है कंबोडिया में लेकिन पोलपाट के राज में पोलपाट वहां का तानाशाह था कम्युनिस्ट तानाशाह था जिसने 18-20 वर्षों में सारे कलाकारों को मार दिया संस्कृति को खत्म कर दिया धर्म को नहीं मानते ना वो हनुमान हनुमान कुछ नहीं रामायण कुछ नहीं खत्म कर दिया स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहला एक्सप्रेशन कुछ किया होगा तो रामायण का मंचन किया कंबोडिया वो बीबीसी के पत्रकार लिखती है जैसे हनुमान की एंट्री हुई सारा का सारा स्टेडियम एक साथ रो रहा था सबके आंखों में सांसू थे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों रो रहे सबने हमको कहा उस उन लोगों ने आसपास बैठे हुए लोगों ने उस महिला पत्रकार को बीबीसी पत्रकार को बताया कि हनुमान का उस मंच पर आना हमारी सच्ची स्वतंत्रता है और यह हमारे व्यापारियों ने दिया था मैं जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में था दिल्ली में तब हमारा एक रिसर्चर जापान गया था जापान के साथ भारत के सिक्योरिटी को लेकर के बहुत अच्छे संबंध हमने डेवलप करने की कोशिश की वहां के थिंक टैंक के साथ हमारा कोलेबोरेशन था क्योंकि चाइना को वो भी थ्रेट मानते हैं हम भी थ्रेट मानते हैं इसलिए जापान के बहुत करीब हो सकते हैं खास करके चाइनीज स्टडीज के लिए हमारा एक रिसर्चर गया जेएनयू से हमने रिक्रूट किया था वी में वो रिसर्चर वहां पर जब गया वापस आया वापस आने के बाद वो अपनी जापान विजिट की रिपोर्ट कर रहा था सेना के एक ऑफिसर सामने बैठे थे रिटायर्ड और वर्किंग इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे रॉ के थे, थे प्रधानमंत्री कार्यालय के भी दो सेक्रेटरी बता बताते बताते उसने एक वाक्य बोला वो कहता है जापानीज भाषा में कहावत है हिंदू नेवर टेल से लाए हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता सामने बैठे वाले सब लोग हंस रहे थे सेना के अधिकारी वगैरह अरे क्या मजाक है पर ये साख हमारे व्यापारियों ने खड़ी की सदियों से जापान में जाते हुए हमारे व्यापारियों ने हिंदू के बारे में जापान का इंप्रेशन बनाया मर जाता था पिताजी पिताजी के मर जाने के बाद बेटा जाकर के कहता था पिताजी बता के गए कि इतनी कई उधारी बाकी है ये तुम्हारी उधारी वापस लो सामने वाला देखता रहता था तू नहीं आता समुन्द्र पार तो मैं क्या बिगाड़ लेता तेरा लेकिन वो आदमी कहता था नहीं मेरे पिताजी मरते समय सिर पर का जो कर्ज था वो मुझे बता करके देखे कर्ज मेरे सिर पे लेकर के नहीं जी सकता मैं ये धर्माधारित अर्थव्यवस्था थी जिसने एंगस मेडिसन को बताने पर मजबूर किया कि भारत हजारों हजार वर्षों से दो हजार वर्ष तक दुनिया का वर्ल्ड लीडर रहा है व्यापार में वो है सस्टेनेबल मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मॉडल ऑफ ट्रेनिंग सस्टेनेबल मॉडल ऑफ क्योंकि सस्टेनेबल का हिंदी में अनुवाद क्या है हम लोगों को बड़े मजेदार होता है हम हमारे शब्दों का अंग्रेजी करते हैं और फिर उनका वापस हिंद, अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करते समय बहुत मजेदार मजेदार गलतियां करते हैं तो हमने जब इस ये पिछला जो डिकेड है 2014 तक का 2004 से 2014 ये डिकेड को यूएनओ ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है डिकेड फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमको भारतीय शिक्षण मंडल में काम लेना था तो हमारे विद्वानों ने उसका अनुवाद करके लिख दिया जो है जो नॉर्मल अनु जो अनुवाद उपलब्ध है उन्होंने कहा यूएनओ का एजुकेट है वो क्या है शिक्षा किसके लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये यूएन का दिया हुआ नाम है हिंदी में करते समय हम लोगों ने उसका नाम किया धारण क्षम विकास के लिए शिक्षा धारण क्षम गलत नहीं है इट्स अ राइट ट्रांसलेशन सस्टेन एबल ए डेवलपमेंट विच इज एबल टू सस्टेन जो धारण करने में सक्षम है अरे पर इसके लिए दूसरा शब्द देने की जरूरत क्या है धारण करने के लिए जो सक्षम है उसी को तो धर्म कहते हैं धारणा धर्म इतु धर्मो धारयति प्रजा यह महाभारत में धर्म की परिभाषा है जो समाज को जो सृष्टि को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं धर्म इज हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन ये एक दूसरा अनुवाद है जिसने गड़बड़ी की है आज अनुवाद की बहुत सारी गड़बड़ियां मैं बताना चाहता हूं मैंने मॉडर्नाइजेशन के अनुवाद की गड़बड़ी बताई मॉडर्न का अर्थ क्या है मॉडर्न नीड नॉट बी एडवांस्ड वैसे धर्म के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले मॉडर्न नीड नॉट बी एडवांस के लिए मैंने एक दो उदाहरण आपको देने की कोशिश कर रहा हूं इसके आगे का पहले दिखा देते हैं फिर इसको दिखाएंगे पिछले साल बहुत बड़ा प्रलय आया केदारनाथ में हमने देखा था मैं उसके बाद में भारत के कम से कम 20-25 यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े आर्किटेक्चर साइंस के लोगों के सामने ये चुनौती छोड़ करके आया आपने टीवी के ऊपर आरसीसी के मकानों को ताश के पत्तों की तरह मंदाकिनी में बहते हुए देखा है गंगा जी के रौद्र रूप के अंदर आर के आधुनिक मकान ढह गए और यह बारह साल पुराना बाबा केदारनाथ छातीता खड़ा हुआ है कम टू इट वाई ऐसे ही दृश्य नेक्स्ट ऐसे ही दृश्य सुनामी के समय देखे थे मैं खुद गया हूं वहां पर नागपट्टनम में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में उस समय में विवेकानंद केंद्र का काम करता था हमने बहुत सेवा कार्य कर रहे सुनामी से पीड़ित लोगों के बीच में और आश्चर्य होता था पूरा गांव तहस नहस हो गया मंदिर बन, बना हुआ है थोड़ा सा कुछ क्षति हुई नहीं हुई ऐसा नहीं अनेक जगह महाबलीपुरम में तो पांच नए मंदिर बाहर आ गए जो रेत के अंदर डूबे हुए थे सुनामी के बाद में गिरे नहीं बाकी आसपास के सारे आधुनिक मकान गिर गए माई क्वेश्चन इज कैन यू से दैट मॉडर्न इज एडवांस यू हैव टू क्वेश्चन दैट एट द टेक्नोलॉजिकल लेवल मैं आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को कह रहा हूं जाकर के केदारनाथ की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की स्टडी तो करो आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग और मैं इसमें कोई ईश्वर की कृपा नहीं मानता बिल्कुल नहीं मानता अगर आप में से किसी को यह लग रहा हो कि यह फोटो मैंने इसलिए दिखाया कि भगवान की कृपा से बची भगवान की केवल इतनी कृपा थी कि इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे तो उनको सही टेक्नोलॉजी आती थी इतनी भगवान की कृपा है ये नागापट्टनम ना सुनामी के साथ भगवान की इतनी कृपा बाकी कोई भगवान की कृपा नहीं इस प्योर साइंस ये टेक्नोलॉजी क्या थी उसको देखने के लिए वो पीछे वाली स्लाइड पे आते जो तो अखंड मंडल वाली चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे व्यापार हो हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता वाला व्यापार ऐसी साथ निर्माण करने वाला व्यापार एंगस मेडिसन की साख निर्माण करने वाला व्यापार उसके पीछे का जीवन जीने का सिद्धांत यह था लाइफस्टाइल स्टाइल इंटरवेंशन थे भारत में धर्म ये धर्म का ये अर्थ है रिलीजन नहीं उपासना का कोई लेना देना नहीं सारे जीवन को एकात्म दृष्टि से देखना यह भारत है यह भारतीय जीवन दृष्टि यह भारतीय धर्म है यह भारतीय विचार है इसलिए मैंने और यह आज भी जीवित है आज भी हमारे गांवों में जीवित है हमारे शहरों में जीवित है हम सबके अंदर जीवित है यह सारा बात मैं कोई हवा में नहीं बता रहा हूं इट्स नॉट फिलोसॉफिकल मैं इसके लिए पचास मंत्र बता सकता हूं उपनिषदों में से लेकिन मैं, मैं मंत्र बताऊंगा नहीं मैं आपके अनुभव की बातें बता सकता हूं क्योंकि आपके जीवन में यह धर्म है जैसे न्यूटन बताए या भारद्वाज बताए या बक्षी सर बताए इरेजर उठा करके मेरे को पता चले गुरुत्वाकर्षण तो काम करेगा ही ना किसने बताया इससे फर्क पड़ेगा क्या दिस इज लाइक दैट प्योर साइंस किसने बताया इसकी जरूरत नहीं है हम मंत्र में बोलते हैं गुरु की प्रार्थना में बोलते हैं अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मय श्री गुरुवे नमा जो हमको ये अखंड मंडल की दृष्टि प्रदान करता है उस गुरु को मैं नमन करता हूं अखंड मंडल जो मंडल कभी खंडित नहीं होता कभी समाप्त नहीं होता दिस इज हाउ वी लुक एट लाइफ दिस इज हाउ लाइफ इज नॉट वी लुक एट इट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ इंडिविजुअल ये जो सारा है अभी तो अमेरिका के इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में हम सुन रहे थे गुरुमूर्ति जी के लिए व्हाई दी थिंग्स कोलैप्स इंडिविजुअलिज्म के बढ़ने से और सोसाइटी क्यों कोलैप्स हुई ये जो सारा जो पतन यहां पर दिखा है यह हुआ क्यों इसका कारण हमको यहां पर से पता चलता है कि समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण एग्जिस्टेंस का आधार है मैं परिवार में विकसित होता हूं परिवार समाज में विकसित होता है मन की यह गति है इसके मनुष्य को सोशल एनिमल का वो अकेले नहीं रह सकता उसको बाहर निकलना पड़ेगा वो अपने आप को विस्तारित करता है परिवार के रूप में मेरा मैं विकसित होता है परिवार के रूप में मैं मेरे लिए परिवार अलग नहीं है मेरे लिए परिवार मैं ही हूं मैं एक उदाहरण अपने जीवन का बताता हूं आपको अपने जीवन के पचास उदाहरण याद आ जाएंगे मैं पांचवी में पढ़ता था मेरा छोटा भाई तीसरी में था मैं एक दूर के स्कूल में पढ़ता था वहां से मैं वापस आता था और मेरे छोटा भाई एक टीचर के घर में मेरा इंतजार करता था घंटा भर उसके बाद मैं उसको लेकर के जाता था घर एक दिन जब मैं वो टीचर के घर पहुंचा तो टीचर के बेटे ने बताया तुम्हारे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया उसके छाती पे से बस जीप चली गई अब आप सोचो पांचवी में पढ़ने वाला मैं दस ग्यारह साल का छोटा सा बच्चा अपने छोटे भाई के छाती पे से जीप चली गई मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी मेरा खुद का बस्ता एक तरफ था ही वो मैडम के बेटे ने उसका छोटे भाई का बस्ता भी दे दिया एक तरफ मेरा बस्ता एक तरफ भाई का बस्ता और मन में कल्पना है कि भाई के छोटे भाई के ऊपर से जीप चली गई मैं रोता 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 घर पहुंचा एक्सीडेंट सुबह हुआ था ये शाम की घटना थी तब तक तो उसने डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट कर दी थी जीप भी ऊपर से नहीं गई थी जीप के बॉनेट में वो अटक गई उसकी हाफ पैंट और वो खींचता चला गया तो पैर वैर छिल गए थे दो तीन जगह हड्डियां टूटी थी शरीर में बहुत जगह बैंडेज थे लेकिन ये सारा सुबह दस ग्यारह बजे हुआ तो पांच बजे तक तो वो बैंडेज वैंडेज पेन किलर लेकर के वो मस्त लेटा हुआ है टॉफिया भी बहुत खाने को मिल गई उस दिन जो मिलने आता वो टॉफिया लेकर गया इसलिए जिसको दर्द है वो हंस रहा है और जिसको कुछ नहीं हुआ पूरा शरीर अच्छा है सुंदर बढ़िया कोई लेना देना नहीं एक उंगली भी खरोज भी नहीं आई हुई वो बड़ा भाई रोता रोता अंदर जा रहा है वो दृश्य में कभी नहीं भूल सकता इतने सालों के बाद मैं जैसे कमरे में घुसा मेरा छोटा भाई जोर से हंसता है और मां को तो कहता है आई देखो दादा रो रहा है जो रोज मेरे को रुलाता है वो आज रो रहा है क्यों रो रहा है मेरे को तो कोई कष्ट नहीं हुआ कोई दुख नहीं कोई वेदना नहीं कोई हड्डी नहीं टूटी जिसकी टूटी है उसको मैंने देखा भी नहीं रोया क्यों मैं क्योंकि मैं ही परिवार हूं परिवार अलग नहीं है आई एम नॉट पार्ट ऑफ फैमिली आई एम फैमिली आई ग्रो इन टू फैमिली दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच हैज टू बी अंडरस्टूड इन द सेम वे फैमिली ग्रोज इन टू सोसाइटी सोसाइटी आकी रहे क्या समाज आकी रहे क्या चाचा मामा ताऊ फिर उनके चाचा मामा ताऊ इधर के और उधर के तीन तरफ की फैमिली जोड़ लो पचास साठ तो हो ही जाते हैं ना वही बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली को ही तो समाज कहते हैं ना समाज आखिर है क्या ये जो आगे का बनना है वो हमने बंद कर दिया ये जो सारी बताइए ये मामला यह मामला भारत में शुरू हो गया है तीसरे मंडल पे हम ही नहीं रहे तीसरे के बाद चौथा पांचवा छठा केवल वहां तक नहीं रुके हम व्यस्टि व्यस्टि से समझती परिवार आया बीच में परिवार से समाज समाज से राष्ट्र राष्ट्र से सारी मानवता सारी सृष्टि के साथ एकाकार इसलिए वो आगे के टेक्नोलॉजी हमने इस अखंड मंडल के सिद्धांतों पर आधारित की सारा विश्व मैं ही हूं वसुधैव कटुंबकम का यह अर्थ नहीं है कि फैमिली द वर्ल्ड एज फैमिली नो वर्ल्ड इज फैमिली we don't look at world as family for us world is family why because we know this law of existence that the whole thing is one but one the one has expressed itself in this form characharam vyaptam yena characharam living and non living ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस अखंड मंडला ये अप्रोच से भारत के अंदर विकसित हुआ इसलिए वो आगे की जो दो फोटो मैंने दिखाई इसलिए केदारनाथ की टेक्नोलॉजी नेचर के अगेंस्ट नहीं है नेचर के साथ है इसलिए दैट टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू टू लिव थ्रू एजेस केदारनाथ की टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अध्ययन करते समय इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि वो जो अखंड मंडल है वो उसमें किस तरह से एक्सप्रेस नेक्स्ट उसमें किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है उस केदारनाथ के मंदिर के अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई कि वो वहां 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर के समस्त प्रकृति के तांडवों को भी झेल सके बिकॉज इट इज वन विथ नेचर कन्याकुमारी का शिला स्मारक में आप लोग में से कुछ लोग गए होंगे उस शिला स्मारक के जो स्थपति है स्थपति के आचार्य शिल्पी उनको हम कन्याकुमारी में शिविर में बुलाते थे जहां कन्याकुमारी कैंपस में हमारा शिविर चलता है वहां नीचे लाइब्रेरी के सामने कुछ मूर्तियां ऐसी खंडित पड़ी है एक दिन वहीं बैठकर के गप्पे मार रहे थे मैंने उनको पूछा ये मूर्तियां ऐसी खंडित क्यों पड़ी तो बोले नहीं ये गलती हो गई थी किसी नए लड़के ने क्या होगा उससे गलती होगी मैंने कहा क्या गलती होगी बोले उसने पत्थर गलत चुना मैंने कहा पत्थर गलत चुना वट डू यू मीन बाय दैट उस दिन मेरे दिमाग में से एक बहुत बड़ा जाला हटा कॉवेप हम अपने आप को आधुनिक समझने वाले लोगों को कितनी बातें नहीं पता होती है। वो स्थपति के आचार्य मुझे बताते हैं और कौन सा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इसके ऊपर अध्ययन करेगा आगे चल करके मुझे पता नहीं भारतीय शिक्षण मंडल का एक काम हुआ है कि भारतीय विद्या में अध्ययन शुरू करना रिसर्च शुरू करना मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस पर अध्ययन हो वो स्थपति के आचार्य बताता है कि पत्थरों के अंदर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसिंग लिंग होता है और सबसे पहला शिल्पी को यह सिखाया जाता है कि पत्थर का लिंग पहचानो जो पत्थर स्त्रीलिंग है उसमें से पुरुष की मूर्ति नहीं बन सकती वहां सामने सिंह की मूर्ति पड़ी थी ये पत्थर स्त्रीलिंगी है उसमें से सिंह की मूर्ति बनाने की कोशिश की इसलिए मूर्ति बनी नहीं इसलिए खंडित पड़ी हुई है यह वो अखंड मंडल है जो अखंड मंडल यहां वर्क कर रहा है चंद्रगुप्त का यह विजय स्तंभ तेईस वर्षों से कुतुब मीनार के सामने खड़ा है ओपन टू एयर प्रकृति के सारे क्लाइमेट चेंज के बदलावों को सहन करता हुआ यह कौन सी टेक्नोलॉजी होगी कि उसमें जंग इतना सा भी नहीं चढ़ा आप जाकर के देख सकते हैं दिल्ली में मैं कोई रामराज्य की पुरानी बातें नहीं बता रहा उत्खनन में निकली हुई अभी भी है नॉट ओनली योर मेटोलॉजी टुडे आज इतना मेटोलॉजी आगे बढ़ा है ऐसा समझते और स्टील किंग भारत में लक्ष्मी मित्तल जैसे है वो सब आर्सनल वाला जिन्होंने खरीद लिया वो सब होते हुए भी आज ऐसा लोहा आज भी अपन नहीं बना सकता ऐसा फोलाद बनाना तो छोड़ो टेस्ट नहीं कर सकते कि क्या उसमें अलॉय किया किए जिसके कारण जंग नहीं लगा तीन रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं मैं भारत के अजूबों की बात करने के लिए और भारत कितना महान था यह बताने के लिए बुढ़िया का एल्बम लेकर के नहीं बैठा हूं यहां पे मेरे को कोई बताता था तो, तो मैं उसको यही कहता था आपके एज ग्रुप एज में जब मैं था कॉलेज में मैं कहता था ये बुढ़िया का एल्बम क्यों बता रहे हो कि भरी जवानी में मैं बहुत खूबसूरत थी अब तो बुढ़िया है ना तेईस सौ साल पहले हमने क्या आज क्या कर रहे हो वॉट इज टूडे टॉक अबाउट टूमोरो कल की बात करो ना इसलिए मैं कल की बात करने के लिए ये पुरानी बात बता रहा हूं आपको दुनिया को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी चाहिए हमारे पास डीएनए में वो है आर वी गोइंग टू गिव इट टू दर्ल्ड अखंड मंडल के सिद्धांत पर आधारित टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हम करने वाले हैं क्या अखंड मंडल के सिद्धांत पर आधारित परिवार समाज इसको जोड़ने वाले अर्थशास्त्र का हम रिसर्च करने वाले हैं क्या हम दुनिया को इस अखंड मंडलाकार मॉडल के आधार पर एक ट्रेडिंग का जो हमने इतने वर्षों से दिया है हजारों हजार वर्षो से दुनिया को क्या मॉडल दे सकते हैं क्या बिजनेस प्रैक्टिस दे सकते हैं क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं क्या उस भारतीय अखंड मंडल की दृष्टि से मोस्ट साइंटिफिक दृष्टि से ऐसे आधुनिक तंत्रों का विकास करना यह केवल भारत की नहीं विश्व की आवश्यकता है। फैक्ट दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं मैंने आगे दो तीन स्लाइड्स, मसारू इमोटो नाम के एक जापानीज वैज्ञानिक के द्वारा किए गए प्रयोग की यहां पर लगाइए आप यूट्यूब पर अनेक वीडियो देख सकते उन्होंने राइस के ऊपर भी बहुत काम किया जो ये एकात्म जीवन है इसको समझने के लिए केवल मैंने ये बातें दी उन्होंने क्या किया कि पानी को बोतल में रखते थे और उस बोतल के आगे कुछ ना कुछ करते थे कभी प्रेयर करते थे कभी उसके आगे कर दीजिए दो चार आ जाएगा एक स्लाइड और उसके बाद में उसको फ्रिज में रखते थे और फिर उसके क्रिस्टल का ये फोटोग्राफ उन्होंने लिया ऑर्डोन वाटर के क्रिस्टल ऐसे बने प्रेयर के बाद में क्रिस्टल ऐसे बने मनुष्य के शब्दों का पानी के ऊपर असर Next. तीन स्लाइड स्लाइड से कुल. Next में उन्होंने म्यूजिक का प्रयोग किया म्यूजिक दिया तो ये हुआ। क्लासिकल म्यूजिक से इस प्रकार का क्रिस्टल बना फोक म्यूजिक से इस प्रकार का क्रिस्टल बना दिन भर कानों में ईयरफोन लगा करके आप क्या सुनते हो देख लो आपका 70 परसेंट बॉडी पानी का बना हुआ है कौन से क्रिस्टल बन रहे देख लेना <laughs> ये तो साइड में था इसके लिए ये स्लाइड नहीं लगाई मैंने क्या आप सुनने वाले गाने बदल दो इसके लिए नहीं स्लाइड लगाई माई पॉइंट इस ये जो अखंड मंडल तत्व सारी दुनिया में है एक ही तत्व जो मेरे अंदर है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे जो यूनिवर्स मेरे अंदर है वही सारी दुनिया में काम कर रहा है इसको ये प्रूव कर रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में भी अपनी भावनाओं का असर मैं भी सुबह में जब आए थे तब हम चर्चा कर रहे थे तब मैं वही कह रहा था शिक्षा का मूल आधार तर्क नहीं होना चाहिए शिक्षा का मूल आधार भावना होनी चाहिए एजुकेशन इज नॉट फॉर द हेड इट इज फॉर द हार्ट इट शुड बी एम्ड एट द हार्ट बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन तो वही होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा इसलिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए मां की भाषा में होनी चाहिए क्योंकि क्रिस्टल ऐसे बनने चाहिए दिस इज द इफेक्ट वनने से एक बार समझ में आता है तो जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है और उस तरीके से जो डेवलप होता है वो सच्चा सस्टेनेबल है उस सस्टेनेबल का हिंदी में अनुवाद होता है धर्म धर्म का ये अर्थ है और ये आम आदमी को पता है आप बोलते समय बोलते हो पिता का धर्म पुत्र का धर्म अटल जी ने नरेंद्र मोदी को बताया राजधर्म का पालन करो सारे चैनल हमको बताते हैं राजधर्म क्या है हिंदू मुस्लिम जैन पारसी राजधर्म का ये अर्थ है फिर भी अपन धर्म का अनुवाद रिलीजन का अनुवाद धर्म करके करते हैं वाई डोंट वी चैलेंज दैट रिलीजन इज नॉट धर्म रिलीजन है ना पंत हो सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंटी फिफ्थ सेवेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट से सॉरी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से नाइनटीन सेवेंटी फाइव में 1975 में बयालीसवें संविधान संशोधन से सेक्युलर नाम का शब्द डाला गया पहले नहीं था अंबेडकर के डार्क में नहीं था सेक्युलर शब्द संविधान में अभी भी संविधान के केवल प्रियम्बल में है प्रस्तावना में है जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस देश में इमरजेंसी ला दी गई इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल डाला गया उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो शब्द डाले गए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू इन टू वॉट पहले केवल सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यही था अब उसने दो तो एड्जेक्टिव पहले डाले गए सोशलिस्ट सेक्युलर ये इंदिरा गांधी ने डाले उन्नीस सौ पचहत्तर में बयालीसवें अमेंडमेंट से लेकिन उस समय भी लॉ मिनिस्टर थे एल एम सिंघवी कांग्रेस के थे उन्होंने हिंदी अनुवाद करते समय हिंदी में सेक्युलरिज्म का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं किया है आज भी ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की हिंदी प्रत के अंदर प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है पंथ निरपेक्ष शब्द है आज भी इसलिए कोई कहता है धर्मनिरपेक्ष तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सेक्युलर का अनुवाद पंथ निरपेक्ष है धर्म निरपेक्ष नहीं धर्म और पंथ दोनों अलग अलग है आई एम टेलिंग यू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मेरे को सेक्युलरिज्म के पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं उसने जो सत्यानाश इस देश की टेक्नोलॉजी का किया उसने जो सत्यानाश इस देश के डेवलपमेंट मॉडल का किया उस देश ने जो सत्यानाश इस देश के आम आदमी का किया उसके जीवन का क्या धर्म पर आधारित जीवन जीते हम वो धर्म पंथ से कोई लेना देना नहीं उपासना पद्धति से उसमें भगवान आता ही नहीं उस धर्म में और आता भी है तो अखंड मंडल के लास्ट वाली सीढ़ी पे था परमेश तो धर्म का अर्थ है मैं मेरे परिवार से कैसे व्यवहार करूंगा मैं मेरे समाज से कैसे व्यवहार करूंगा मैं नेचर के साथ कैसे व्यवहार करूंगा मेरा इन सबके प्रति क्या कर्तव्य है इसको हमारे यहां पर धर्म का ये धर्म की हमारी परिभाषा है इसलिए धर्म यानी सस्टेनेबल धर्माधारित अर्थ भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं धर्म अविरुद्धो भूतेशु कामोस्मी भरतर्षभ धर्म के अविरुद्ध धर्म के अनुकूल जो काम लोगों में है काम की इच्छा है वह मैं हूं ईश्वर हूं धर्मा अविरुद्धो भूतेशु अर्थोस्मी अर्थ और काम यह पुरुषार्थ धर्म पर आधारित होने चाहिए ये इस भारत ने मॉडल डेवलप किया सोसाइटी में किया व्यापार में किया इकोनॉमिक्स में किया पॉलिटिक्स में किया सब में किया इसलिए इस देश में इतने कालों से यह संस्कृति बची रही कुछ बात है कि अस्थि मितती नहीं हमारी इकबाल को कहना पड़ा वो कुछ बात क्या है वो बात ये है धर्म का ये अर्थ आज दुनिया मानने लगी पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया अमेरिका में मैं फिर अमेरिका के उदाहरण इसलिए देता हूं कि अच्छा लगता है अच्छा वहां हो रहा है क्या हाँ फिर तो ठीक ही होगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ धर्मा स्टडीज की स्थापना हुई जबकि 24 साल से वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज पहले से चल रहा है देव एक्सेप्टेड रिलीजन इज डिफरेंट धर्मा इज डिफरेंट अब तो मान लो माए बाप ने मान लिया इसलिए सस्टेनेबिलिटी इज धर्म हमारा धर्माधारित तो जीवन है और जब तक तो धर्माधारित जीवन को पुनः प्रस्तावित नहीं करते दुनिया की समस्याओं का उत्तर नहीं है और धर्म का अर्थ तो फिर बार बार मेरे को अधोरित करना पड़ेगा उपासना से वही लेना देना इसलिए फिर धर्म यानी मानव धर्म होकर ऐसा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं धर्म यानी मानव धर्म ही है धर्म यानी दूसरा कुछ है ही नहीं इसलिए धर्म जब तक नहीं आएगा जीवन में तब तक सच्चे सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती इसलिए मैं लास्ट मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं उसके बाद में यदि आपको मन में कोई शंका प्रश्न या कोई विचार रखना हो तो आप रख सकते

यहां पर तीन अलग अलग चीजें लग रही है हमारा हम वैज्ञानिक आधार पर यह कह रहे हैं कि सब एक ही है मनुष्य ही सोसाइटी बन रहा है वही एनवायरमेंट बन रहा है इसलिए इन सब के साथ जुड़ा हुआ आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए उस अखंड मंडल के आधार पर आज दुनिया भी इसी को कह रही है उनके आपसी संबंधों को लेकर के ये मॉडल उन्होंने बनाया हमारा मॉडल क्या है हमारे मॉडल को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ मॉडल उन्होंने यज्ञ का नया अर्थ दिया यज्ञ ने हवन कुंड में हवन जला करके और घी डालना यज्ञ शायद उस समय भी मानते होंगे वो भी साइंटिफिक है उसके साइंस पर रिसर्च चल रहा है मैं उस पर नहीं बात करूंगा अभी बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है फर्ग्यूसन कॉलेज में चल रहा है पुणे में सोलापुर में चल रहा है उस उस यज्ञ के ऊपर लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो यज्ञ का मॉडल दिया नेक्स्ट वो मॉडल है धर्म का अर्थ उसको हमने नाम दिया धर्मचक्र लाइफ ऑफ सस्टेनेंस साइकिल ऑफ सस्टेनेंस बड़ी इकाई में से छोटी इकाई का जन्म होता है उनका आपस में फिर वही अखंड मंडलाकार संबंध है बड़ी इकाई यानी समष्टि, छोटी इकाई यानी वेष्टि परिवार में से मेरा जन्म हुआ परिवार का जन्म समाज में से हुआ समाज का जन्म राष्ट्र में से हुआ राष्ट्र का जन्म मानवता में से हुआ मानवता का जन्म सृष्टि में से हुआ और सृष्टि परमेष्टि में से आई समष्टि बोल रहे हो तो बड़ी इकाई एनीथिंग यदि यह परिवार है तो वो व्यक्ति है यदि यह समाज है तो वो परिवार है उनका आपसी संबंध क्या है तो उनका अच्छी संबंध यह है कि मेरा जन्म हुआ मेरे परिवार ने मेरे योगक्षेम का वहन किया मेरा लालन पालन किया नेक्स्ट तो इसका जो तो पहला आरो आ रहा है समष्टि से व्यष्टि की तरफ पहला आरो आ रहा है वह योगक्षेम मेरा खाना मेरा रहना मेरे माँ पिताजी ने अत्यंत कष्ट करके और हमको कष्ट नहीं होने दी सत्रह साल की उम्र में, में मेरी माँ ने नौकरी करना शुरू किया अठारह साल की उम्र में, में मेरे पिताजी ने नौकरी करना शुरू किया सारी जिंदगी एक एक पाई बचा करके हम बच्चों के लिए उन्होंने इतना कष्ट किया योगक्षेम वहन किया उनके कष्ट को मैंने देखा है जुलाई में हमारे लिए कपड़े और यूनिफॉर्म और ये खरीदने होते तो तो उसके लिए तीन महीने पहले से मां कैसे बचत करती थी मैंने बड़े होने के बाद देखा बचपन में नहीं पता चलता था योगक्षेम का वहन किया हम सबके माता पिता ने किया गरीब है अमीर है उससे फर्क नहीं पड़ता कष्ट माता पिता ने वही किया है परिवार ने समाज ने अच्छी बातें बुरी बातें समाज ने सिखाई आपको सोसाइटी से आपको क्या मिला आपको पता ही नहीं अनेक चीजें आपको मिली है युवाओं से बात करता हूं युवा कहते हैं हम देश के लिए क्या क्यों कुछ करें देश ने हमको क्या दिया है एक बार मैं भोपाल से जबलपुर जा रहा था युवाओं का दल कैंप में जा रहा था पांच दिन का रेसिडेंशियल कैंप था रेसिडेंशियल कैंप से पहले जाते समय ट्रेन में चर्चा चल रही थी एक विद्वान इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हमारे कार्यकर्ताओं को कह रहा था कैंप में क्या सिखाओगे कार्यकर्ताओं ने कहा देशभक्ति की बातें सिखाएंगे देश के लिए कुछ करना चाहिए कार्यकर्ता बेचारे जोश में बोल रहे थे और सामने वाला सारी बातें रैशनली हम क्यों देश के लिए कुछ करें देश ने हमको क्या दिया जब बहुत देर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं हो रहा है तब मैं बीच में कूदा और मैंने उसको कहा देख बेटा था उसका नाम दिलीप सिंह था मैंने कहा दिलीप तू जा रहा है अभी पांच दिन के लिए जबलपुर पांच दिन बाद वापस भोपाल आएगा घर जाएगा बोले हां मैंने कहा तेरे को गारंटी है घर जाने के बाद तेरे को मां मिलेगी बोले क्यों नहीं मिलेगी मां रहेगी मैंने कहा हाँ बड़ा प्रेम करेगी और तेरे को शिविर में इतना कष्ट हुआ होगा तो आने के बाद ज्यादा खाने को खिलाएगी और सुलाएगी। बोले हाँ पक्का मैंने कहा गारंटी है हमारे हाँ तो देश, तो <laughs> देश में हमको क्या दिया हमको पता ही नहीं समाज ने दिया इसका यह योगक्षेम हम जो कुछ भी इससे बने योगक्षेम से मैं इस लायक हुआ कि कुछ कर सकूं इस आई गेव बैक कर्मा मैंने अपना कर्म समाज को दिया कर्म आप खुद के लिए नहीं कर सकते चाहे स्वार्थ के लिए नौकरी करो कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरे का ही लेना पड़ेगा ना काम तो दूसरे के लिए ही करना पड़ेगा ना दुनिया में निर्जीव वस्तु भी खुद के लिए नहीं जी सकती सजीव का तो छोड़ो यह माइक है यह माइक किस काम के लिए बना वॉइस को एम्प्लीफाई करने के लिए इसकी खुद की कोई आवाज है क्या यह तो मेरी आवाज को एम्प्लीफाई कर सकता है यह खुद के लिए नहीं जी सकता जिस बेंच पे आप बैठो वो खुद को आधार नहीं दे सकता आपको आधार दे रहा है निर्जीव वस्तुएं भी दूसरों के लिए जीती है सजीव होकर केवल स्वार्थ के लिए जिए तो क्या जिए इसलिए कर्म करेंगे तो वो समाज के लिए होगा समाज को ही देना पड़ेगा लेकिन मजेदार बात है इसे उस कर्म का वापस कर्मफल मिल जाता है नेक्स्ट उस कर्म से वापस हमको कर्मफल मिल गया अब समाज से हमारे तरफ आने वाली दो चीजें हो गई योगक्षेम मिला हम इस लायक हुए कि कर्म करें तो हमने कर्म समाज को दिया समाज ने हमको कर्म का फल दे दिया नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी व्यापार कर रहे हैं तो प्रॉफिट वॉट इट इज कर्म का कर्म फल मिल गया हमको अब योगक्षेम का कर्जा हमारे सिर के ऊपर रहा इसको हमारे देश में ऋण कहा ऋण यह ऋण उन पांच सीढ़ियों से जोड़ लो किस, -किस का ऋण है परिवार का ऋण है समाज का ऋण है राष्ट्र का ऋण है सृष्टि का ऋण है और परमात्मा का परमेश का, जो एक सब सर्वशक्तिमान शक्ति है उसका ऋण है इन पांचों के ऋणों को रोज वापस करो नहीं तो कर्जा बढ़ता जाएगा यह हमारी संस्कृति ने बताया वो कैसे होगा तो उसको कहा यज्ञ ये पंचमहाय है जो एक प्रत्येक भारतीय को कहा गया कि रोज तरह को करने चाहिए पांच यज्ञ बिना किसी प्रतिफल की आशा के कुछ करना इसको यज्ञ कहते हैं निस्वार्थ भाव से कुछ करना उसको आहुति कहते हैं तो ये यज्ञ महायज्ञ परिवार के लिए करते हैं तो वो पितृ यज्ञ हो गया समाज के लिए करते हैं तो वो नर यज्ञ हो गया सृष्टि के लिए करते हैं तो वो देव यज्ञ हो गया ऐसे ये पांच यज्ञ राष्ट्र के लिए करते तो ऋषि यज्ञ हो गया ऋषियों के ज्ञान से यह राष्ट्र उत्पन्न हुआ यजुर्वेद कहता है भद्रमिछ ऋषिया तपो ततो राष्ट्रम बलमोजस्व जाता इसलिए ऋषि यज्ञ जब राष्ट्र के लिए कुछ करते तो ऋषि यज्ञ और जब परमात्मा के लिए करते तो ब्रह्म यज्ञ ये, ये पांच यज्ञ रोज करने चाहिए ऐसे का अब ये पांच यज्ञ का अठारवी शताब्दी में चलते थे वैसे आज चलेंगे क्या नहीं आज आज के हिसाब से करने पड़ेंगे तो हमारा व्यापार हमारी टेक्नोलॉजी हमारा मैनेजमेंट हमारी लाइफ हमारा मेडिसिन इन पांचों के अनुरूप बनाने के लिए जो हम काम करेंगे वो यज्ञ होगा इसलिए हम स्वाध्याय करेंगे तो वो यज्ञ होगा जिस रिसर्च की बात यहां पर की वो रिसर्च यज्ञ होगा यदि हम कुछ सेवा का काम करते हैं जो वंचित है जिनको नहीं मिला है हमको बहुत कुछ मिला हुआ है ऐसे लोगों की जाकर के सेवा करते हैं बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा से तो वो यज्ञ होगा जीवन में यज्ञ आएगा तो जीवन चलेगा जहां पर यज्ञ चलते रहता है वहां पर सोसाइटी डेवलप होती है ये अखंड मंडल एनलार्ज होते जाता है इसलिए इस देश के अंदर वो यज्ञ जीवित है आज भी जीवित है आज भी जीवित है मैं अनेक उदाहरण बताता हूं धर्म के रूप में यज्ञ आज भी इस देश में जीवित है एक उदाहरण मेरे को बड़ा प्रिय है वो बता देता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं दिल्ली की घटना है दो की वो गुलाम मंडल खेलों के घोटाले चल रहे थे नहीं समझे गुलाम मंडल स्वतंत्र होने के सड़सठ वर्षों बाद भी अंग्रेजों की रानी को रानी मानते हो क्या कॉमनवेल्थ शब्द का डिक्शनरी में अर्थ ढूंढ लेना वेबस्टर्स की डिक्शनर में कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ ढूंढ लेना या विकीपीडिया में ढूंढ लेना आजकल का आपका प्रिय एनसाइक्लोपीडिया तो आपको पता चलेगा कॉमनवेल्थ का अर्थ वो है कि जिन देशों की जो देश आज भी इंग्लैंड की रानी को अपनी रानी मानते ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में केवल प्रधानमंत्री होता है उनका जो फिगरेटिव हेड है जैसे अपने यहां प्रणब मुखर्जी है राष्ट्रपति वैसे उनका फिगरेटिव हेड आज भी इंग्लैंड की रानी है क्वीन न्यूजीलैंड का भी यही है घाना का भी यही है आपके गुलाम मंडल देशों में आए हुए देशों में से अधिकतर देशों की यही स्थिति भारत में ऐसा है क्या देन वाई यू पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स एनी मैं एक प्रश्न पूछ करके छोड़ रहा हूं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं वरद जी इस देश में मैंने उस समय थाने में जब संजीव ब्रम्भे जी ने बुलाया था तब भी यह प्रश्न सामने रखा था आपको पता है अभी एमएच थ्री सेवेंटी की बात चली मलेशियन एयरलाइंस का विमान गया हर एयरलाइंस का हर देश का मार्क होता है मार्क कहते हैं उसको जैसे आपके गाड़ी के ऊपर कार के ऊपर स्कूटर के ऊपर महाराष्ट्र का होगा तो एम एच थर्टी वन तो वो WhatsApp में जोक भी आया था कि मलेशिया का हवाई जहाज गड़बड़ हो गया तो ये महाराष्ट्र के आरटीओ में क्यों रजिस्टर है बोले MH क्यों नाम है उसका मलेशिया ने पाकिस्तान का है पीए पाक एयर बांग्लादेश का है बीएन बांग्लादेश का बीएन भारत का क्या है नाना वॉइस रॉय टेरिटरी आज भी आप वॉइस राय टेरिटरी में उड़ते हो कल दिल्ली से मुंबई जिस इंडिगो के हवाई जहाज से मैं आया वो हवाई जहाज वॉइस रॉय टेरिटरी डीजीसीए की वेबसाइट पे जाकर के देखिए भारत का ऑफिशियल मार्क वीटीए सदुस वर्षों में अपने आप को देशभक्त कहलाने वाले हम में से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया क्यों लेंगे हमने इस देश का नाम तक नहीं ठीक किया अभी तक वो इतना सा श्रीलंका उसने ठीक कर लिया अंग्रेजों ने उसको भी नाम बदल दिया था मैंने बचपन में जो बड़े लोग यहां पर बैठे उन सब ने रेडियो सुलोन सुना है बिना का गीत माला रेडियो सिलोन पे आती थी फौजी भाइयों हमने रेडियो सिलोन से सुने 1983 में सिलोन ने कह दिया हम अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं रखेंगे हमारा नाम श्रीलंका होगा इतना सा देश है वो म्यांमार में तो अभी तक वो हंगसांग सूची आंदोलन करी अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई अभी तक लोकतंत्र नहीं आया उसने अपना नाम बदल दिया बोले ये अंग्रेजों का दिया हुआ बर्मा नहीं चलेगा काय का बर्मा हमारा नाम म्यांमार है ये 125 करोड़ का देश आज भी हिंदी के अखबार हिंदी के चैनल भी कल रात को चिल्ला रहे थे टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया हिंदी के चैनल पे और हम सुनते हैं इसका मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं यह यज्ञ अपने जीवन में कैसे चालू करेंगे मैं एक छोटी सी घटना बता दूं और अपनी बात को खत्म करता हूं समय मेरा समाप्त तो हो गया दिल्ली में था मैं दो में चाणक्यपुरी से पटेल नगर जाता था मेट्रो से मेट्रो से उतरने के बाद साइकिल रिक्शा से अपने कार्यालय जाना पड़ता था साइकिल रिक्शा का सात रुपये सवारी भाड़ा था रोज झंझट होती थी सात रुपए की चिल्लर नहीं होती थी मैं दस रुपया देता था उसके पास तीन रुपए नहीं होते थे मेरे पास पांच रुपए का सिक्का होता था रोज का नाटक एक दिन की घटना है एक रिक्शा वाला आपके और मेरी भाषा में अनपढ़ गवार अंगूठा छाप उसका नाम भूल गया मैं रामस्वरूप वो वहां का अपना गोरख गाजीपुर का रहने वाला उत्तर प्रदेश का वहां पेट नहीं पाल सका इसलिए आकर के दिल्ली में रिक्शा चला रहा है मेरे को पहुंचा मैंने दस रुपए दिए उसने कहा तीन रुपए चिल्लर नहीं है बाबू मैंने कहा रख लो वैसे भी मेरा वजन डेढ़ गुना है नॉर्मल आदमी से तुमने ज्यादा ही मेहनत की है साथ की जगह दस रख लो नहीं माना वो उसने कहा नहीं ऐसे थोड़ी होगा आपके पैसे मैं अपने ऊपर कैसे रख सकता हूँ मैंने कहा यार मेरे पास खुले नहीं है पांच रुपए तो ले पांच रुपए दे दो मैंने कहा नहीं तू रख ले कल दे देना तीन रुपए मैं तो रोज ही आता हूं वो मेरे को कहता पांच दे दो आप दो कल दे देना मेरी काफी देर तक झिकझिक मैंने उसका नाम पूछा बच्चे क्या करते हैं पढ़ते हैं सब बताया है उसने परिवार को कैसे चलाता है उसके बाद में मैंने पूछा ये तीन रुपये तेरे ऊपर रह गए गलती से और मैं खुद खुशी से दे रहा हूं ज्यादा तो तेरे को फर्क क्या है उसने जो उत्तर दिया ना वो ये यज्ञ का उत्तर है वो ये भारत का धर्म चक्र है वो रामावतार मिश्रा उसका नाम वो रामावतार मिश्रा मेरे को कहता है अनपढ़ रिक्शा वाला वो कहता है बाबू आपका तीन रुपया अधर्म का यदि मैं अपने घर में रह गया तो मेरे परिवार के संस्कार का सत्यानाश हो जाएगा उसको यह गणित पता है हमारे विद्यालयों में यह गणित नहीं सिखाया जाता हम तो चोरी करना सिखाते इसलिए धर्म समाप्त तो हो गया सस्टेनेबल कॉमर्स दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दिस इसलिए मैं आपके सामने केवल एक प्रस्ताव रख रहा हूं सारे दुनिया के देश अपनी अंतरनीत शक्ति के साथ खड़े होते गुरुमूर्ति जी ने बताया 2030 तक आप चाहो चाहे नहीं चाहो इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ यू भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा यह सच्चाई है लेकिन इस सच्चाई को आप मानोगे कि नहीं मानोगे प्रश्न वो पूछ रहे है। मेरे मैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं दुनिया में सारे देश अपनी अपनी किसी ना किसी विशेषता को लेकर के आगे बढ़े आज जापान एक ताकत के रूप में उभरा हमारे साथ ही सत्यानाश हुआ था उसका उन्नीस में ही तो 9 अगस्त को हिरोशिमा नाकासाकी हुए थे नौ और ग्यारह को पूरा हुआ था आज तक जापान की अपनी सेना नहीं है सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसको कह दिया गया तुम सेना नहीं रख सकते जापान में केवल पुलिस है सेना अमेरिका की उसकी रक्षा करती है जापान की खुद की सेना नहीं उसके बावजूद चाइना ने द्वीप ले लिया पिछले साल में द्वीप हड़पने की कोशिश की तो पुलिस के सहारे उसने चाइना का विरोध किया पैरोल घटनाएं हुई थी जिस समय लद्दाख में चाइनीज सैनिक घुसे थे उसी समय जापान में द्वीप की घटना चल रही थी जापान की रिएक्शन और भारत की रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क जापान ताकत के रूप में कैसे ऊपरा यदि केवल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में बात करनी है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत महत्व दिया इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड की पांच लीडिंग इकोनॉमी को उठा लो तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है चाहे चाइना की हो चाहे ताइवान की हो चाहे जापान की हो चाहे जर्मनी की हो दे आर नॉट ट्रेडिंग इकोनॉमी लाइक अमेरिका क्चरिंग इकोनॉमी इसलिए इकोनॉमी का विषय छोड़ दो उसने मैन्युफैक्चरिंग किया और केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया अपने मैन्युफैक्चरिंग का उसने यूएसपी बनाया आज की भाषा में बोला जाए तो हमारे ट्रेडिशनल भाषा में इसको चिती कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की चिति होती है उस चिति को वो व्यक्त करता है इसलिए उसको व्यक्ति कहते हैं वैसे पूरे राष्ट्र की चिति होती है अमेरिका ने अमेरिका की अपनी चिती है व्यापार सारा फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर है पूंजी के अलावा कुछ नहीं अमेरिका के पास ना एग्रीकल्चर है ना प्रोडक्शन है ना ट्रेड है कुछ नहीं उन्होंने एक बताया कि हम टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस रहेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और फाइनेंस पूरा हमारे हाथ में रखेंगे जापान ने अपनी यूएसपी बनाई क्वालिटी जापान की चीज है तो क्वालिटी में अव्वल होगी जापान खड़ा हो गया आज वही काम ताइवान ने किया ताइवान खड़ा हुआ उन्नीस के बाद में ताइवान का जो भारत में रिप्रेजेंटेटिव था वे ऑंग मैं जब दिल्ली में था मेरी मित्रता हो गई वो बता रहा था उन्नीस में हमको हमारे दिमाग में और ट्यूबलाइट जली हमारे नए प्रधानमंत्री ने कहा और ताइवान खड़ा हुआ बयासी से लेकर अभी तक अब दुनिया की नंबर तीन की इकोनॉमी बन गया अमेरिका और चाइना के बाद ताइवान है कैसे ताकत बनी उसने कहा एक ही चीज से ताकत बनी हमने स्वदेशी को अपनाया उन्नीस के बाद हमने तय किया हम अपने ही ब्रांड खरीदी करेंगे और सारे दुनिया के ब्रांड को आज वो बनाता है आज अधिकतर चीजें ताइवान में बनती है इट बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विथ एन यूएसपी जर्मनी का इंजीनियरिंग उसकी यूएसपी है चाइना ने अपनी यूएसपी बनाई जापान की क्वालिटी थी तो इनकी क्वांटिटी, इन्होंने डंप किया इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव बड़ी क्वांटिटी में किया इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव ये उन्होंने अपनी यूएसपी बनाई भारत की यूएसपी क्या है नकल चीजों की वो यूएसपी होती है ये यूएसपी है हमारी सस्टेनेबिलिटी इज अवर यूएसपी अगर आने वाले समय में हम हर चीज में इसको प्रमोट करते हैं भारत में चीज बनी है तो वो इको फ्रेंडली होगी नेचर फ्रेंडली होगी सस्टेनेबल होगी इट विल बी गुड फॉर द होल वर्ल्ड इफ वी मेक दिस एज अ नेशनल मिशन तब इंस्पाइट और डिस्पाइट नहीं तब एज ए मिशन भारत खड़ा होगा और फिर 2030 तक इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा एम जस्ट प्रपोजिंग दिस धर्म शब्द से एलर्जी है छोड़ दो सस्टेनेबिलिटी तो दुनिया को चाहिए ना किसी मुर्गी के मुर्गे के बाग लगाने से सूरज तो उगे इसलिए ये सस्टेनेबिलिटी को भारत का यूएसपी बनाया जाए भारत की चिटी बनाया जाए उसके आधार पर आने वाले समय में इकोनॉमिक पॉलिसी मैनेजमेंट पॉलिसी हमारी एन्वायरमेंटल पॉलिसी हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारी इरिगेशन पॉलिसी सबका सूत्र सस्टेनेबिलिटी आप देखो बायोडीजल को लेकर के कितना काम हमने किया था सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी सारे काम को सस्टेनेबिलिटी पे ले जाओ भारत के पीछे दुनिया भागेगी भारत दुनिया का नंबर वन बनेगा भगवान करे कि हम सब लोगों के मन में यह प्रेरणा जगे और हम उसके लिए काम करने लगे अपने यज्ञ की आहुति दे नेक्स्ट स्लाइड लाकर के रख दीजिए और मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूं यहां पर मैंने अपने यदि आप में से कुछ लोग जुड़े रहना चाहते हैं और इस यज्ञ में आहूति देना चाहते हैं साथ मिलकर के तो उनके लिए मैंने अपने संपर्क सूत्र यहां पर दिए हुए लाखों मेरे मित्र हैं उन मित्रों में आपकी भी एडिशन हो सकती है फेसबुक छोड़ करके बाकी सब जगह हो सकती है फेसबुक ने बेचारे ने पांच हजार की लिमिट रखी है तो वो लगभग खत्म हो गई है फॉलो कर सकते अगर यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना हो कुछ वाद विवाद करना हो कुछ अपवाद लेना हो कुछ ऑब्जेक्शन लेना हो यू आर वेलकम मैं उत्तर दूंगा ऐसा मैंने नहीं कहा आप प्रश्न पूछ सकते हो ऐसा <laughs> आज उस रामावतर मिश्रा को कहाँ से मिला उसके घर से ही मिला ना। हम सबको भी मिला हुआ है जब मैंने यह बात रामावतर मिश्रा की बताई तो हम में से किसी को नया नहीं लगा हमारे अंदर है सेंसिटिविटी को हमने हमारे एजुकेशन में से गायब कर दिया है संवेदना हमारे एजुकेशन में हम बचपन में डाल देंगे ना बच्चों के अंदर तो ये धर्म अपने आप आ जाएगा मैं बच्चों को पूछता हूं मैंने कहा सड़क पे जाते जाते छोटे बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है के जी वन के जी टू आजकल उनको भी बेचारों को बस्ता लाद करके और स्कूल में भेज देते हैं अत्याचार करते हैं उनके ऊपर तो मैं जाता हूँ और उनको हंसाता हूँ मस्ती करता हूँ उनके साथ में और कहता हूँ जब आप हंसते हो तो आपके अंदर ईश्वर के दर्शन होते हैं और ये सत्य और फिर मैं उनको छोटी से सवाल पूछता हूँ सड़क पर जाते जाते आप में से कितने लोग हैं जो पेड़ दिखता है तो उसके पत्ते को ऐसा तोड़ करके मसल देते हैं मजा आता है कि नहीं तो मैं इतना पॉजिटिवली बोलता हूं उनको लगता है हाँ, बहुत मजा आता है तो हाथ ऊपर करते हैं हाँ मैं करता हूं कल ही मैंने दो किए और दो से ज्यादा किसने किए वो कहता है मैंने किए और सब ऐसा करने के बाद मैं कहता हूं आप इधर आओ सामने मैं तुम्हारे कान को ऐसे करता हूं चलेगा क्या नहीं चलेगा मैंने कहा क्यों बोले दर्द होगा मैंने कहा उस पेड़ को दर्द नहीं हुआ होगा छोटी सी बात है धर्म आ गया ना अखंड मंडल आ गया ना बच्चों को तो सिखाना बहुत सरल है उनके अंदर ही है ना वो आजकल के युग में माँ पिताजी को लेकिन वक्त नहीं है सर कैसे करूं? बहुत क्या कहना चाहिए बिल्कुल सटीक प्रश्न है माँ पिताजी को वक्त नहीं है इसलिए हमने हमारे पेरेंटिंग को आउटसोर्स कर दिया है इसका केवल एक ही उत्तर है वक्त तो निकालना पड़ेगा अगर अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे क्वांटिटी टाइम नहीं निकाल सकते क्वालिटी टाइम निकाल सकते भले आप एक मिनट दो बच्चे को भले आप दस मिनट दो बच्चे को लेकिन उस दस मिनट में वो आत्मीयता ट्रांसफर होनी चाहिए वो अखंड मंडल वाली जो आत्मीयता है ना जो मैंने मेरे भाई के साथ बताई वो आत्मीयता मेरी माँ के मेरी माँ नौकरी करती थी मैंने बताया ना उन माँ पिताजी दोनों के लिए स्ट्रगल था पिताजी समाज का काम करते थे मैंने कभी बचपन में पिताजी को घर में नहीं देखा हम सुबह उठते थे उससे पहले पिताजी घर से निकल गए होते थे उनकी बैठकें और उनका क्या क्या चलता था शाम को वो आते थे तब हम घर में नहीं होते थे रात को हम हम आ, जब तक पिताजी आते थे तब तक हम सो गए होते थे सिर्फ रविवार को पिताजी मिलते थे इतने व्यस्त थे लेकिन उन्होंने एक कनपटी में दी उस क्वालिटी टाइम से हम ठीक हो गए <laughs> पता चल गया कि झूठ बोलने से कनपटी पे पड़ती है झूठ <laughs> बोलना जीवन में हट गया इट्स अ क्वालिटी टाइम जो अपनत्व तो वाली बात है ना क्वांटिटी नहीं चाहिए मेरी मां नौकरी करती थी हम भाइयों को उन्होंने 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 लेकिन जो उन्होंने जो क्वालिटी टाइम दिया संस्कार उन्होंने, आज उसके तो कारण तो ही तो बच्चा या दो बच्चा हो गया हम बच्चों को ज्यादा समय दे रहे एंड दैट इज एट्रीमेंटल बच्चों की स्वतंत्रता ही चली गई हर बात में बच्चे के पीछे पड़ जाते माता पिता बचपन से बिचारे का मतलब सफोकेट होता होगा वो मैं उन छोटे बच्चों को देखता हूँ उनका सफोकेशन मैं महसूस करता हूँ हमारे माँ पिताजी को पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं आज के माँ पिताजी को एक एक छोटी छोटी बात बच्चे की पता है इसलिए मुझे तो लगता है उल्टी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है <laughs> सर मेरा डाउट है ललिता शास्त्र नाम हर दिन पढ़ाई करता हूँ उसमें एक लाइन आता है इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपी राइट तो और सभी वेद मंत्रों का जो मूल स्वरूप है गायत्री माता जिस माता का हम बता रहे हैं तो जैसा आप बताए कि मतलब सेंसिबिलिटी मतलब सेंसिबिलिटी जो अपना पढ़ाई में जो मिलता है तो इस सृजनशीलता जो आदमी का मन में आता है तो इसका जो एक्सपेंशन इन द सेंस इसका जो लिमिटेशन है क्योंकि बहुत सारे समय क्या करते हैं एक, एक, एक एकनमिक्स एकनेमि पर्सन का अगर आप लेंगे वो बोलते हैं कि मेरा एकेमिक्स ही बहुत आ, मतलब अल्टीमेट नॉलेज है और इसके बिना तो ये एक प्रहंकार प्रकार के अहंकार की भावना एक प्रकार से बढ़ता है तो इन फीलिंग से अटैच और डी अटैच होने का जो आ, मतलब अटैचमेंट है लेकिन डीअटच का ऐसा होना है इसके बारे में कुछ नहीं ये दिक्कत यही हो गई मैं अभी वही एजुकेशन के बारे में चर्चा करते समय वही कर रहा था जो हेड एंड हार्ट वाली मैंने बात की हमको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई कि रैशनल थिंकिंग इज द बेस्ट थिंग इट इज नॉट फैक्ट इसलिए बहुत सिंपल है रैशनल थिंकिंग इज एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिसने क्या एनालिसिस का अर्थ है विश्लेषण विश्लेषण का पहला पहला सूत्र क्या है किसी भी बात का एनालाइज करना है तो यू विल हैव टू कंपेयर एंड व्हेन यू हैव टू कंपेयर यू कैन नॉट कंपेयर विथ वन थिंग कंपेरिजन के लिए एक से ज्यादा चीज चाहिए दो चाहिए तो इसके तर्क हमेशा भेद करता है वो तोड़ता है वो भेद करके कंपेयर करता है फिर एनालिसिस करता है इसलिए हमारा सारा एजुकेशन तोड़ने वाला हो गया और जोड़ने का काम भाव करता है सो so, ज्ञान शक्ति जो आप कह रहे हैं ना दैट ज्ञान शक्ति इज बेसिकली हमारे भारत में ज्ञान शब्द का नॉलेज शब्द का अर्थ केवल मात्र एक के। है स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर उसको डिफाइन किया फाइंडिंग यूनिटी बिटवीन द फाइंडिंग यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाहर दिखने वाली विविधता के अंदर छिपी हुई एकता को समझना ज्ञान है और उस विविधता को समझना विज्ञान है विशेषत्व ना ज्ञाती विज्ञान आज जिसको हम साइंस कहते हैं उसको भारत में विज्ञान नहीं कहा भारत में साइंस का फिर वो धर्म रिलीजन जैसा है वो साइंस का भारतीय शब्द है शास्त्र नॉट विज्ञान इसलिए जहां उपनिषदों में विज्ञान आता है उसको ये साइंस के साथ जोड़ करके और सत्यानाश करते हैं दैट इज नॉट दिस साइंस वो विज्ञान है जो दुनिया में जो कुछ भी है उसके साथ एकाकार होकर उसको समझना शिवम भूतवा शिवम जज बट टेक्निकली मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन वो जो इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति है वो ये है दीज आर द्री फोर्सेस विच आर वर्किंग इन लाइफ जिसको अपने जीवन में पूरी तरह से बैलेंस वे में विकसित करना है इसलिए विश्लेषण के साथ संश्लेषण भी जरूरी है एनालिसिस के साथ सिंथेसिस भी जरूरी है और वह सिंथेसिस आपके इमोशनल लेवल पे होता है इसलिए मैं अभी बात करते समय वही कह रहा था हम फॉलो कर रहे हैं ना नकलची है ना फॉलो करने वाला हमेशा दस कदम पीछे रहता है न, आज दुनिया आई से आगे बढ़ गई इंटेलिजेंस क्वेश्चन के आगे उन्होंने ई की बात शुरू कर दी इमोशनल क्वेश्चन एसक्यू दो प्रकार के कहे उन्होंने एक तो सोशल क्वेश्चन और तीसरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन आज दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च स्पिरिचुअल क्वेश्चन के ऊपर हो रहा है सबसे ज्यादा पैसे उसके ऊपर लग रहा है हम बीस साल बात करेंगे हम के पीछे भाग रहे हैं ना <laughs> हमारे तक आने में टाइम लगेगा <laughs> अभी हम आई में पड़े हुए इसलिए हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम आई को बम्बार्ट करता है ईक्यू की भी फिक्र नहीं करता दुनिया में ये चेंज हो गया आएगा अपना भी धीरे-धीरे पीछे चल रहे हैं <laughs> वो पीछे चलने की जगह ये पीछे चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा अपना पीछे जो है उसको देखेंगे तो उनके पीछे चलने की जगह ठीक आप कुछ कह रहे थे सर माँ के पेट में रहने से मैं समझ सकते हैं बाहर आने से म

हिंदी एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट एजुकेशन शुड बी लेफ्ट टू द सोसाइटी एजुकेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट एजुकेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इट कैन नॉट डू इट बिकॉज इट्स नॉट इट्स फंक्शन इसलिए भारतीय शिक्षा मंडल की सबसे बड़ी डिमांड है शिक्षा को स्वायत्त कर दिया जाए शिक्षा स्वायत्त होगी ऑटोनोमस होगी तो ही वो ठीक होगी तभी ठीक होगी और इस देश में 1823 से पहले शिक्षा स्वायत्त ही थी जो ग्लोरियस पास्ट है हमारा और 1823 तक का 1823 में 1823 में इस देश में एजुकेशनल सर्वे किया गया ब्रिटिश के द्वारा और इस ब्रिटिश सर्वे में पता चला कि इस देश में एक लाख तेरह हजार यूनिवर्सिटी थी 1823 में सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन लिखा है ब्रिटिशों ने जो मैकोले तोड़े खत्म किए उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास में सबके पास है ओपन में ब्यूटिफुल ट्री नाम की पुस्तक लिखी है धर्मपाल ने भारतीय शिक्षण मंडल में अभी उसको मराठी में ट्रांसलेट करके पूरे दस खंडों में धर्मपाल का साहित्य छापा पूरे आंकड़े दिए हुए इस देश के हर गांव में हर व्यक्ति शिक्षित था, हर जाति का एवरी कास्ट और वो सारा समाज आधारित था सरकार से एक पैसा नहीं लेते थे सरकार से पैसा देना मैकॉले ने शुरू किया और जब से सरकार ने एजुकेशन हाथ में लिया तब से सरकारी काम का जो होता है वो एजुकेशन का हुआ काका कालेलकर कहा करते थे सरकारी काम कभी असरकारी नहीं हो सकता <laughs> पॉलिसी समाज में से उठनी पड़ेगी नीचे से उठनी पड़ेगी इसलिए अभी वो मैडम चली गई उनसे मैं डिस्कस कर रहा था वो खुद उसके लिए आईआईटी में ही प्रयोग उन्होंने शुरू किया एंड दिस शुड बी रियली अप्रिशिएटेड और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए सॉरी नेबरहुड स्कूल दैट इज द आइडिया पड़ोस पड़ोस में से पड़ोस के समाज में से सारे रिसोर्सेस है इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्स फिर उनके पतिदेव आकर के कुछ सिखाते हैं वो कुछ समय निकालते हैं कुछ बच्चे श्लोक सिखाते हैं कुछ माता सोसाइटी शुड टेक केयर ऑफ द संस्कार नेक्स्ट जनरेशन दैट इज द आइडियल ये आदर्श इस देश में प्रस्तापित होना चाहिए इसके लिए प्रयास करना और ये सरकार थोड़ी करेगी ये तो हमको करना है इसलिए हम भारतीय शिक्षण मंडल में हमने एक छोटा सा काम शुरू किया है सब लोग पूछते हैं हम शिक्षण मंडल से कैसे जुड़ सकते हैं मैं कहता हूं बहुत सिंपल है

Now along with the exam which he has to clear to go to the next standard, what else can he you know, uh, practically be interested in our study so that he can have more wider knowledge of whatever you are saying? look at his <laughs> pointing finger. <laughs> in fact, the stage of that is that basically deals with this.

टूडेज रियालिटी एजुकेशन डज़ नॉट गिव हिम आनंद आज की रियालिटी है जबकि एजुकेशन शुड बी फॉर आनंदा द मोस्ट एंजॉएबल थिंग एंड ब्लिस अपोजिट तो इस सारे कंस्टेंट के साथ हम उसको एंजॉएबल बना सकते हैं क्या सो दट इज द आइडिया परीक्षा दे हंसते हंसते खेल खेल में एग्जाम दो खेल खेल में पढ़ाई करो और एंड स फैक्ट मैं किसी भी आईआईटी की हो चाहे दुनिया की कोई कठिन से कठिन परीक्षा हो मैं आपको बताता हूं जो टेक्निक हमने उस पुस्तक में सिखाई है वो या जो वास्तविकता में टेक्निक है यह अखंड मंडल हमने सिखाई मतलब हमने कोई तोप नहीं लागी वो तो इस देश में हजारों वर्षों से चली आई है दैट इज द रियल सनातन साहित्य ऑफ दिस उस टेक्निक से कोई भी पढ़ाई करोगे तीन घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने का फॉर्मूला है उसके अंदर बिना रटे मेमोराइज करने का फॉर्मूला है

और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए क्या होगा नहीं धर्मा का एक अर्थ ड्यूटी है धर्मा इज बेसिकली योर रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल विद योरसेल्फ सेल्फ एंड विद द एक्सटर्नल तो तुम्हारी फैमिली इज योर एक्सटेंशन

हमारे यहाँ ड्यूटी में शब्द कर्तव्य है उसका अर्थ ड्यूटी नहीं है कर्तव्य का अर्थ है ये करना चाहिए दो चीजों में से तोड़ करके समझा जाए तो करणीय और, करनी। और होते हैं ना वैसा है कर्तव्य का वो अर्थ है माई ड्यूटी टू यू इट इज नॉट टूवर्ड्स यू इट इज माई ड्यूटी मेरे लिए यही करना ही है इसलिए मैं कहता हूं ये जो मैं प्रचारक जीवन जी रहा हूं ये जो मैं बिना गृहस्थ में गया और इस प्रकार से जीवन जी रहा हूं मस्ती से मैं इसी के लायक था इसलिए ये कर रहा हूं बाकी लिए ना लायक नानायक मेरे लिए यही करणीय है यही मेरी चीटी है उस अर्थ <laughs> में करता मैं देश के प्रति भी ड्यूटी उस अर्थ में उसमें आनंद नहीं आता हो तो मत करो ना यार करते हो घर बैठो आनंद तो परिवार तो आनंद देने के लिए बनाया तो तो <laughs> so, uh, 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 no, ना ये तो काय को शादी आनंद के नहीं की सर वो दुखी हो जाए सर अलवो आपने डिफरेंस कहा था बिटवीन रिलीजियस स्टडी एंड धर्म सो रिलीजियस स्टडी इट कम्स अबाउट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड शास्त्रज और नो रिलीजियस स्टडी इज बेसिकली जो उपासना पद्धतियां है किसी

तो उन्होंने कहा कि जो उपासना पद्धतियां या जो पंथ ये मानते हैं कि सारे ईश्वर सच्चे हैं और किसी भी ईश्वर से अंतिम सत्य को किसी भी ईश्वर के उपासना से अंतिम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है वो धर्म है और जो ये कहते हैं कि केवल मेरा ही सही है बाकी सबका गलत है और मेरे ही एक ईश्वर की उपासना करने से तुम ठीक हो सकते हो वो रिलीजन इसलिए जूस क्रिश्चियंस एंड इस्लाम ये रिलीज स्टडी में आ गए बाकी जैन बौद्ध सिख हिंदू ये सारा धर्म स्टडीज में डाल हो क्योंकि बोले ये कन्वर्ट नहीं करते ये दूसरे को अपने में नहीं डालते और ये नहीं कहते कि तुम्हारा भगवान गलत है मेरा भगवान सही है, वो धर्म उन्होंने इस ढंग से डिफाइन किया क्योंकि कुछ तो करना था अच्छा काम कर रही है

रामकृष्ण मठ के बहुत सारे छोटे-छोटे पब्लिकेशंस हैं एक भारत भारती सीरीज करके नागपुर के श्री प्रकाशन से प्रकाशित हुई लगभग 130 किताबें उसके अंदर एक अहमदाबाद के पुर्तिकांत ट्रस्ट के द्वारा शिक्षण माला करके 100 पुस्तकों की सीरीज प्रकाशित हुई जिनमें मिशन की बच्चों के लिए दो तीन पुस्तकें तो 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 है एक तो चेन्नई चेन्नई ने जिन्होंने पत्र लिखे बच्चों को वो उसकी पुस्तक बहुत सुंदर है एक महाराष्ट्र में आजकल पुणे में उनका एक हेडक्वार्टर है आ, किशोर जी व्यास तक करके कथाकार के बाद नाम गोविंद देव गिरी जी, जी, जी उनका बाल संस्कार के ऊपर उनकी दो पुस्तकें हैं बहुत अद्भुत पुस्तक परिवार के जो श्रीराम शर्मा आचार्य है उन्होंने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य बच्चों को कैसे शिक्षा दे ऐसी अच्छी बहुत अच्छी पुस्तकें उन्होंने बहुत सारी पुस्तक एंड दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव जो मैंने कहा जो मेरे को अभी याद आया वो बताया मैंने ऐसी बहुत सारी